भूल गवा का गंगाराज के इलाके में खड़ा है तू। इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर पूरे साम्राज्य पर राज करता है। ए शर्मा इधर आ रे। गंगाराज ने तेरे को इस पर साइन करने के लिए बोला है। अपनी रेत की चोरी को मेरे जरिए कानूनी बनाना चाहते हो? मैं साइन नहीं करूंगा, चल जाओ। ए, भाई ने बोला इसका साइन लेके ही जाना। तेरे तो भाई होगा वो अपने घर पर, उसको बोल भाई गिरी अपने घर पर ही दिखा। मेरे पिताजी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अपन गंगाराज का आदमी है। गंगाराज का आदमी है तो क्या, तेरी हड्डियां तोड़ने से टूटती नहीं, शेर की मांद में हाथ डाला है, अब जिंदा नहीं बचेगा। जाकर बोल दे उस गंगाराज को, भाड़े के टट्टू बहुत देखे, राम शर्मा का बेटा हूं, अगर मेरे पिताजी को हाथ लगाने की दोबारा हिम्मत किया तो मैं काट के रख दूंगा तुझे भी और उसे भी। हाँ बोल भाई। वो बुढ़ाओ ने साइन नहीं किया, क्या करने का उसका भाई? तू रुक मैं देखता हूं। गायत्री थोड़ा पानी देना। मेरे लिए भी मां। ये पेपर यहां कैसे पहुंचे? गंगाराज आया था। मैडम नमस्ते, हमारा नाम गंगाराज है। नाम तो हमारा सुने ही होंगे, कुदरत ने बहुत तोहफे दिए हैं, जैसे अग्नि जल वायु, पूरी दुनिया उनके बहुत मजे लेती है। उसी कुदरत ने रेत भी दी है जिसका इस्तेमाल हम करता हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। मैडम इंसान जो है वो कामकाज किए बिना खाएगा क्या, और आजकल तो रेत का हर जगह बहुत मांग है, तो अब सप्लाई करने वाला भी तो कोई हो, बस इसीलिए आपके पति की मदद चाहिए हमका। वैसे आपका वो खोया हुआ बेटा तो एकदम मर्द बनकर वापिस लौटा है। हमारे मासूम से पंटरों को धमकी वमकी दी है उसने, उसमें थोड़ा डर पैदा करो। कहा कि पिछली बार तो गायब होकर वापस लौट आया, लेकिन अगर ई बार गायब हुई गवा तो कभी लौट के नहीं आएगा। चलिए बाबा। कहाँ रे बाबा? उसे साइन चाहिए ना, उसके सामने करेंगे। गंगा शर्मा अपने बेटे के साथ आ रहा है। पता है क्यों आया है यहाँ? डर। गंगाराज के डर से पूरा गांव कांपता है। बैठिए पापा। तुझे यहां बिठा के टाइम पास करने के लिए ना ही बुलाया है? कागज बाप साइन किए कि नहीं? नहीं किया और ना ही करेंगे। चलो कार्यक्रम शुरू करो। बचपन से ही मेरी एक आदत है, जब भी मुझे कोई कुछ देता है मैं उसे लौटाता हूं, चाहे वो प्यार हो या डर हो। बैठिए पापा।
कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है। वैसे तू जब घर आया था तब मेरी माँ को तूने मुझ में क्या क्या पैदा करने को कहा? वो डर। हाँ, डर। वो डर ही क्या जो किसी की बातों से पैदा हो, वो हिम्मत ही क्या जो किसी की धमकी से टूटे। बुरे समय में साया साथ नहीं देता छतरी क्या चीज है? अपने सामने खड़े दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर बैठा तू। तूने मेरे पिता को सताया, मेरी मां को डराया, अब मेरी बारी। गवा का गंगाराज के इलाके में खड़ा है तू? इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर पूरे साम्राज्य पर राज करता है। देखने में तो शांत लगता है पर तूने तो असली रंग दिखा दिया। शांत तो प्रभु श्री राम भी थे, फिर भी उन्होंने रावण का वध किया ना। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान साइक्लोन में बदल चुका है। मौसम विभाग के अनुसार तकरीबन 48 घंटों तक साइक्लोन दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होगा। आंध्र के पश्चिमी हिस्सों में और गोदावरी जिले में सामान्य, यहां तेज बारिश होने की संभावना है। दरवाजे पे क्यों खड़ी है? मरना है क्या? बारिश का असली मजा तो ऐसे ही आता है ना माँ। बहुत मजे कर लिए, आज के लिए इतना काफी है। चल जल्दी अपनी सीट पे जाके बैठ। मैडम, अपने पति को खुला मत छोड़ा करो। अरे शांत शांत, चलो हवा आने दो। क्या हंगामा लगा रखा है, किस बात की लड़ाई है ये? माफ कीजिएगा, पिताजी के मन में जो भी आता है वो डायरेक्ट मुँह पे बोल देते हैं। मन की बात बोल डाली, प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली मालिक के मन में जो भी आता है डायरेक्ट बोल डालते हैं, ना जगह देखते हैं ना मौका, जो सामने आया उसकी इज्जत का भजिया पाव बना डालते हैं। क्या मतलब? तेरी ऊपर की मंजिल खाली पड़ी है क्या? तेरे बाप ने जरूर रिश्वत खिला के तेरे को टीसी बनाया होगा। अरे पापा, बात यह है, समझ गया, रिश्वत देके ही टीसी बना हूँ, अनपढ़ जैसी शक्ल है ना। क्या मैंने फिर से दिल की बात उल्टी कर डाली? वैसे इन्होंने तुम्हें ऐसा क्या बोल डाला? टिकटॉक वीडियो बनाते समय बुड्ढा बोला इसने मुझे। अबे घंटा वीडियो बना रहा था तू, मच्छर की तरह शक्ल है तेरी, बुड्ढे वेंटिलेटर की उम्र में टिकटॉक बना रहा है। अबे टीबी का पेशेंट दिखता है तू, सारे बाल पक गए तेरे, अपनी बीवी की तरह हेयर कलर कर ले, और जरा इस आंटी को देखो, बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है इसे। इन जैसे को ना सर सोशल मीडिया से बैन कर देना चाहिए। बस बहुत हुआ भाई साहब, आप और भाभी जी घर जाके वीडियो बनाओ ना, ट्रेन में नहीं। चलो जाओ अपनी सीट पर, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? वो मेरी जुबान। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आज सुबह से तुम्हारा ये तीसरा झगड़ा है, मुंह पर सेलोटेप लगवा कर आऊंगी नेक्स्ट टाइम। एक महत्वपूर्ण सूचना, अन्नावरम के रास्ते में पटरियों पर पेड़ गिर जाने की वजह से ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोकना होगा, ट्रैक साफ होने के बाद ही ट्रेन आगे जा पाएगी। मम्मा ट्रेन चलने में टाइम है, नीचे जाकर ना गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। ओके रुको, तो तुम क्यों जाओगी? ये जाएंगे ना? मम्मा डिसाइड कर लिया, मैं लेकर आऊंगी। दो प्लेट पकौड़े। आज सुबह ही तुमसे कहा था ना, नक्षत्रों के खराब योग के चलते आज यात्रा में विघ्न आएगा। देखो वही हुआ ना, ट्रेन अड़ियल भैंस की तरह यहीं पर रुक गई है। कोई सुने तब ना, गुरु की सलाह तो कोई मानता ही नहीं। सर
बारिश का आना, पेड़ का गिरना, ट्रेन का यहाँ रुक जाना, ये सब भी आपके ग्रह तय करते हैं क्या? 100% भविष्य में कब क्या होगा उसके लिए ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। तो क्या आप मेरा फ्यूचर भी बता पाएंगे? नेवर एवर चैलेंजिंग माय गुरुजी, ओके? बस अपनी जन्म स्थिति, समय और जन्म का स्थान बता दो, पूरी लाइफ की स्टोरी सुना देंगे। 5th November 1993 मॉर्निंग 4 o'clock राजमुद्री। आप फ्यूचर पढ़ के रखिए, मैं पकौड़े देकर आती हूं। कहीं तुम हमारी फिरकी तो नहीं ले रही हो, या सच में तुम अपना फ्यूचर जानना चाहती हो? जो भी हो कुंडली बना के रखूंगा मैं। ओके, मैं बोगी नंबर S1 में आपका वेट करूंगी। ओके मम्मा, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए ना, मजा आएगा। ना बाबा, मैं नहीं खाऊंगी, इतना मुश्किल से वेट कम किया है। वाह, वेट कम करके आपको क्या करना है, कोई भी नहीं देखता है आपको, समझे दीदी? हाँ हाँ, मैं खाऊंगी। घर वालों को समझाने की पूरी कोशिश की, नहीं माने तो और क्या करती, दोनों भाग कर शादी कर लो, एक बार शादी हो गई तो घर वाले अपने आप मान जाएंगे। शायद लव का लफड़ा है। हाय, आई एम नंदिनी। टेल मी, लव स्टोरी है ना? घर से भाग कर आई हो? आई हूँ तो तुम्हें क्या? Curiosity, spicy, sizzling love story में किसको इंटरेस्ट नहीं होगा? हाँ जल्दी बताओ, कब से काका बिड़ा है? 1 साल से। बस 1 साल से? मेरी 15 years की love story है। 15 years? हाँ, पहले तुम अपनी love story बताओ, उसके बाद मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। Well, love story के बजाय मेरे lover की story कहना ज्यादा सही होगा। Hero कहाँ मिला उसके लिए reverse gear मार के बचपन में जाना पड़ेगा। हम दोनों नरसापुर में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस दिन 15th August था, स्कूल में इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां चल रही थी। मुझे भी पार्ट लेना है। वो रही टीचर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वो आपने मेरी बेटी को प्ले में से क्यों निकाल दिया? शीरिशा लाइंस याद नहीं रख पाती, इसीलिए रिप्लेस किया। वैसे मेरे पति ने आपके बैंक में लोन अप्लाई किया था, पास हो जाएगा ना? मेरी बेटी को प्ले से निकाल कर लोन की भीख मांगती है बुढ़िया, जब वो बैंक में आएगा ना तो लात मार के उनको बैंक में भेज देना, झट से लोन पास करवा दूंगा। नहीं चाहिए लोन वोन। अरे इसको क्या हो गया, मैं तो लोन पास करवाने की बात कर रहा था। फिर से मन के विचार उस पर उगल दिए। चलो अब क्या है? हेलो, कैसा है? कैसे हो? अरे तू कब पहुंचा यहाँ? 10 मिनट हो गए। सुना है तेरे बेटे का आज स्पेशल परफॉर्मेंस है ना? किसी भी प्ले में कई कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मेरा हीरो मिस्टर रदरफोर्ड, तुम्हारे देश ने बोलना सीखा उससे पहले हमने वेद लिख डाले। दुनिया के कपड़े सिलने से पहले ही हम रेशम के कपड़े पहनते थे। पूरे विश्व को गिनती और गणित विज्ञान भारत ने सिखाया। जिस पवित्र भूमि पे ज्ञान की गंगा बहती है, तुम उस देश को शिक्षित करोगे। कोई मेरे भारत का अपमान करे ऐसा होने नहीं दूंगा रदरफोर्ड। हम तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता राम राजू, चुपचाप सरेंडर हो जा, तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। नहीं किया तो मुझे मार दोगे। तुम एक देशभक्त रामराजू को मारोगे, लाख रामराजू और पैदा होंगे। सीता रामराजू एक इंसान नहीं, वो एक सोच है, एक शक्ति का रूप है, स्वतंत्रता का नारा है। आई वोंट टॉलरेट दिस फायर। इस मिट्टी में विद्यमान रहूंगा, आकाश बन के छाया रहूंगा, लोगों की सांसों में जीवित रहूंगा। इस पापी ब्रिटिश राज का खात्मा करूंगा, देशभक्ति का गीत बन के अमर हो जाऊंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कमाल की एक्टिंग की, एक दिन जरूर हीरो बनोगे तो। ये हीरो बनेगा और तुम्हें प्रोड्यूसर बनना होगा। नहीं, प्रोड्यूसर नहीं बनेगा। जिस दिन बालू हीरो बनेगा, प्रोड्यूसर तो सिर्फ मैं ही होंगी। ओके ना हीरो? ओके प्रोड्यूसर। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? कोई बात हुई क्या? मम्मी ने डांटा। किस लिए? क्यों नहीं डांटूं? दानवीर बनने का भूत चढ़ा है। एक बच्चा ज्योमेट्री बॉक्स लाना भूल गया तो अपना बॉक्स दे दिया। बेचारे के पापा नहीं है, उसने माँ को बोला, वो नहीं ला पाई, इसलिए मैंने दे दिया। काश आप उसकी खुशी देख पाते, मैंने उसे देकर अच्छा काम किया ना पापा। वेरी गुड बेटा, लाइफ में एक बात याद रखना, किसी को कुछ दोगे तो लौट के जरूर आएगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, खुशी दोगे खुशी मिलेगी, दुख दोगे दुख मिलेगा। ये सब तो ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है, क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट क्यों ना सब रिश्तेदारों को बुला ले। रिश्तेदार कैसे याद आ गए, फ्रेंड्स को नहीं बुलवाओगे? फ्रेंड्स तो आएंगे ही ना, लेकिन इस साल हम मेरे बर्थडे पर रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। मामा मामी, चाचा चाची, सब रिश्तेदार होंगे, बहुत मजा आएगा। आपने पूछा क्या गिफ्ट चाहिए ना, यही मेरा गिफ्ट। समझ लो आ गए। इस बार रिश्तेदार कैसे याद आ गए तुम्हें? हमारा परिवार ही हमारी दुनिया है। अरे शादी से ज्यादा रौनक है, रिश्तेदार से लेके पड़ोसी सबको बुलवाया है। आपका ऑर्डर था।
मामा। आओ बेटा। कितना खुश लग रहा है। चाची थोड़ी मिठाई लो ना। नहीं ले सकती, मुझे शुगर है। फिर दवाई किसके लिए? शैतान का। ओ हीरो, तुम्हारे मामा तुम्हें याद कर रहे हैं। लेट्स गो प्रोड्यूसर। हेलो मामा, इस बार समर वेकेशन में क्यों नहीं आए मामा? सॉरी बेटा, अगली बार जरूर आएंगे। भगवान से बड़ा कोई स्टोरी राइटर नहीं है। जो लड़का अपने हर रिश्तेदार को अपने पास रखना चाहता था, अचानक एक एक्सीडेंट के कारण अपने माता पिता को ही खो बैठा। चाचा मामा इतने सारे रिश्तेदार हैं उसके, कोई और रख लेगा ना? एक सच्चा दोस्त रिश्तेदार से बढ़कर होता है। अपनी दोस्ती में जरूर निभाऊंगा। घर में दो बेटियां हैं, कोई लड़का उनके साथ रहे मुझे मंजूर नहीं। हर संडे आप लोग मुझसे मिलने आओगे ना अंकल? अरे कहने की जरूरत ही नहीं है, कभी मिलने का मन करे तो वार्डन को बता देना, वो मुझे कॉल करेंगे। ठीक से पढ़ाई करना। बाय हीरो। बाय प्रोड्यूसर। चलो। तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सुनकर दुख हुआ। मेरा नाम राजू है। बालू। हेलो। क्या है? ड्राइंग में इतने सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन असल में तो कोई नहीं है ना? आज नहीं है, पर एक दिन जरूर होंगे। मैं तुम्हें भूल जाऊं यह हो नहीं सकता। डायलॉग याद हो गए? नाश्ता आ गया? अभी तक नहीं। डायलॉग्स भी अभी तक याद क्या नहीं। क्या रे, नाश्ते का डायलॉग से क्या लेना देना? मजाक कर रहा था। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये एक लो बजट शॉर्ट फिल्म है, नाश्ता अपने घर से खा कर आने का। अरे जल्दी कर। सुदर्शन कहाँ है? अबे इधर बैठा हूँ। ए सुधा, अरे वीडियो को व्यूज नहीं मिल रहे हैं यार। चल एक मस्त टाइटल देता हूँ, व्यूज छत फाड़ देंगे। हाँ बोलना। रंगीन मिजाज बेटे की काली करतूतें देखकर माँ बाप दंग रह गए। सुपर हिट है बॉस। ऐसा क्या किया उसने? अबे सिग्नल तोड़ दिया उसने। बस एक सिग्नल तोड़ने के लिए इतना खतरनाक वीडियो टाइटल ऐसे कैसे डाल दिया? अबे आजकल खतरनाक टाइटल ही बिकता है, सच लिखने लग गए ना तो कोई नहीं देखेगा। बोला सब आर्टिस्ट आ गए ना? कितना हुआ? 291। ₹9 छुट्टा नहीं है। छुट्टा नहीं है तो बड़ा नोट दे देना भाई। अगर आपके पास हो तो आप छुट्टा दे दो। शादी में आया क्या? नहीं, 2 साल पहले हो गई। 2 साल पहले तो गिफ्ट में कितने निकाल के दूं क्या? अरे 9 रुपए के लिए लड़ोगे क्या? ऐसा ही रहा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा और ये टैक्सी वाला करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति कैसे बनेगा? ए गांडी छोकरी चल अंदर। सबको जय श्री कृष्ण। हाय, फिर से लेट। स्टार समझता है तू खुद को? वो तो मैं घर से टाइम पे निकला था लेकिन रास्ता में लंबा ट्रैफिक था। बालू भाई क्या छे? हे, उधर देखो। ऐसा तो फिल्मों में देखा था, आज सच में देख लिया। पंडित जी? हाँ जी कहिए। पंडित जी ये क्या चल रहा है? ये तुला दान है, आज सेठ जी के पोते का जन्मदिन है। पोते का वजन सिक्कों से करेंगे और उसके बराबर गरीबों को दान करेंगे। अरे भाई तुम इतने हल्के क्यों हो? थोड़े मोटे तगड़े होते तो और नेकी कर पाता। अगर एक हफ्ते पहले मुझे इन्फॉर्म कर देते तो ड्यूटी समझ के शिफ्ट में खाना खाता। ध्यान से नीचे उतरना बेटा। एक्सक्यूज मी, एक सेल्फी ले सकते हैं? व्हाई नॉट। दादा दादी आइए, कम ऑन। क्यों नहीं? पोते का नाम बताइए। शिवा। शिवा। ओम भूर्भुवस्वः तस्य चतुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दादी एक छोटा सा गिफ्ट। क्या है इसमें? आपके फेवरेट दीवानंद के रोमांटिक गाने डाउनलोड किए, जब मन करे देख लेना। बर्थडे तुम्हारा है और गिफ्ट मुझे दे रहे हो? रिटर्न गिफ्ट समझ लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, सारे तोहफे अपने दादी के लिए। ये बुढ़िया क्या टेकन फॉर ग्रांटेड है? सैड मत हो डियर ओल्ड मैन, ग्रैंडफादर के लिए कुछ ग्रैंड लाया हूँ। अरे जाना पड़ेगा। बेटा सुनो, इतनी जल्दी जा रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना। दोस्त लोग रुकने देंगे तब ना। फोन करके दिमाग का दही कर दिया है, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे दही की लस्सी ना कर दे। बाय 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 दादू। बाय बाय बाय, जल्दी मिलता। बाय 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 स्वीट दादा। बाय, सी यू।
अरे नंदू, बिना बालू के जितने सीन्स थे हमने सब शूट कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है, क्या करना है? बालू हद से कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है उस हीरो को। प्रोड्यूसर को कड़क रहना चाहिए, अच्छे से क्लास लेना उसकी। ये क्लास लेगी, ये बालू से डरती है। मैं डरती हूँ? मैं नहीं डरती हूँ, वो हीरो है तो मैं प्रोड्यूसर हूँ। आने दो उसे, देखना कैसी खबर लेती हूँ। अरे इधर क्या आराम फरमाया जा रहा है? पता है ना शूटिंग में कितना पैसा लगता है, तुम सब के सब निठल्ले हो। सही कहा ना प्रोड्यूसर? शट योर माउथ, मेरी डांट से बचने के लिए नाटक कर रहे हो, खुद को क्या समझते हो? जब मन किया आए और जब मन किया चले गए। प्रोड्यूसर की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है और ना काम के लिए डेडिकेशन है। पहले मेरी बात तो सुनो। कोई नया बहाना है? यूं कि ले भाई, हर बार यही पैंतरा आजमाता है। इसको प्यार से कोई कहानी पहलेगा, फिर वो बोलेगी क्या सच में, चल ठीक है। आवाज में नजाकत देखना भाई। क्या सच में, चलो ठीक है। हे गाइस, शूटिंग शुरू करें। ओके लेट्स गो। योर ऑनर, माय क्लाइंट विक्रम, ये उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति, फुल ईयर नैन मटक का चालू था, लेकिन अब ये इसका थोबड़ा बिल्कुल नहीं देखना चाहती। लेकिन मेरे क्लाइंट ने आज तक इस लड़की पर पूरे 2,00,000 रुपए उड़ाए हैं। कोर्ट से गुंजाइश है कि मेरे क्लाइंट के पैसे वापस दिलवाएं। जोर से ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस क्विज प्यार व्यार के लफड़े में पड़कर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, और अपना चिंदी चोर देखो अपनी प्रेमिका से पैसे मांग रहा है। कैसा ढीला है भाई, होटल में जाएगा, ढोकला दबाएगा, प्लेट चाटने के बाद बोलेगा मजा नहीं आया, बिल नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी चलता है। तुम इससे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? कंजूस हो गया है सर, एक गिफ्ट नहीं लेकर देता। इस लड़की को इस भिखारी ने एक गिफ्ट तक नहीं दिया, इसको तो पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तंगी में अपने ही साथ छोड़ते हैं, लेकिन जो पैसा ऑलरेडी लुटा चुकी है उसका क्या योर ऑनर? ये बिल देखिए, फोन रिचार्ज, हॉस्टल रूम का रेंट, पाव भाजी विद एक्स्ट्रा चीज, हेयर कट विद एक्स्ट्रा वॉश, पिक्चर देखते समय पॉपकॉर्न के साथ समोसा, क्रेडिट कार्ड की तरह स्वाइप कर करके मेरे क्लाइंट को निचोड़ चुकी है योर ऑनर। माय लॉर्ड, एक मर्द का दर्द समझिए, सीने में दिल है तो इस कंगाल के पैसे वापस दिलाइए और मैडम को कहिए थोड़ा कम लूटा करें। ऑर्डर ऑर्डर, इन मैडम की डिमांड्स एक प्याज की तरह है, एक परत हटाई नहीं कि दूसरी परत सामने आ जाती है। इनको सजा मिलेगी, भूखे मगर मचेंगे, इच्छाएं खत्म ही नहीं होती इनकी। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे कॉलेज में ऐसे ही चूना लगाया था। अपने आशिक की उड़ाई एक एक पाई तुम्हें सोच समझ लौटानी होगी। थैंक यू योर ऑनर, वकील साहब आप कितने महान हो। छोड़ बे, ओवर एक्टिंग मत कर, पैसे कटेंगे। वैसे 6 महीने पहले भी तुम मुक्तेश्वर जाकर आए थे ना, तो वापस क्यों जा रहे हो? जरूरी काम है। काम है काम है बोलते रहते हो, लेकिन क्या काम है वो नहीं बताते। जाने दो, पानी की बोतल ली है ना? अरे यार भूल गया। कभी नहीं सुधरोगे, मेरे बिना पता नहीं यार क्या होगा तुम्हारा। रुको अभी लेकर आई, एक वाटर बोतल देना। हाँ बोल। हाँ आ रहा हूँ। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म किस लिए? बस ऐसे। क्या चल रहा है ये, आजकल तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। मुझसे छुपाओगे? बचपन से मैं तुम पर विश्वास करती आई हूँ और मेरा विश्वास कभी। हर बार तुम मुझे पटा लेते हो। ठीक है, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। कब से इंतजार कर रही हूँ, आखिर कब बोलोगे? क्या बोलना है? आई लव यू। फिर चालू हो गया तुम्हारा, तुम चाहो तो मुझसे थैंक यू बुलवा लो या सॉरी बुलवा लो, लेकिन कभी आई लव यू की डिमांड मत रखना, ओके? बाय। तुम्हें नहीं कहना है तो मत कहो, मैंने तो कह दिया, बात खत्म, चलो जाओ। ओके, ड्राइव सेफ। बाय बाय। हाय डैड। हाय। समझ गई, लगता है फिर आज पापा ने अपना मुंह कहीं खोल दिया। मुंह से मिसाइल क्या निकली, घर में ग्रह युद्ध छिड़ गया। किसकी बैंड बजाई? पगार नहीं बढ़ाई तो कल से नहीं आऊंगी। तो अब मत आओ ना, पूरे 4,000 दे रही हूँ तुझे मैं, फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाने वाली मैं। अरे इसको निकालेगी तो खुद को नौकरानी बनना पड़ेगा। अरे पड़ोस वाली भाभी 6,000 देती है अपनी भाई को। मैं भी 6,000 से एक पैसा कम नहीं लेगी। मैं क्या बोला था? पति हो या पनौती? फिर से बम फोड़ दिया क्या? मास्क प्लीज। इनकी बात छोड़ो, तुम इतना लेट क्यों आई हो? बालू को बस स्टॉप पर ड्रॉप करने गई थी मम्मी, फुल ट्रैफिक था। बालू के साथ कोई फालतू फिल्म बना रही हो पता है, लेकिन उसके साथ घूमने का क्या मतलब? कितनी बार कहूँ मुझे ये सब पसंद नहीं। लेकिन मुझे बालू पसंद है और आप ये बात अच्छे से जानती हैं। बात खत्म, वापस डिस्कस नहीं करेंगे। ओके गुड नाइट। बाय डैड। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। नंदू ए चल फुट यहाँ से। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। अब क्या किया मैंने?
जब हैदराबाद शिफ्ट हो रहे थे तो उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? देखो क्या हो गया, दिन ब दिन नंदिनी उसके करीब होते जा रही है। आप मेरी सुनते ही नहीं हो। बालू अच्छा लड़का है शारदा, बचपन से उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। अरे उसने ही सही समय पे मेरी मदद की, नहीं तो मैं मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो पाता। उसकी तारीफ करना बंद करो, बचपन से ही उसका यहाँ आना जाना मुझे खटकता है। अगर वो दामाद बन गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? अरे तेरी पसंद की ऐसी की तैसी, प्रेमियों के बीच का कांटा है तू। एकदम सही बोली, बिल्कुल बेकार लड़का है, मुझे भी पसंद नहीं है वो। वापस सच की उल्टी हो गई मुझे। मुंह पे लगाओ, मरवा देगी आदत। अब इसे उतारना मत। इस वक्त कौन होगा? बोल राजू, क्या हुआ? तुम्हें एक फोटो भेजी है, जल्दी फोन देखो। बालू किसी मंदिर में बैठा हुआ है और ये पास खड़े लोग कौन हैं? उसके दादा दादी हैं। अब ये दादा दादी कहाँ से पैदा हो गए? दाल में कुछ काला है, जरूर बालू हमसे कुछ छुपा रहा है। समझ गई, वो हमसे कुछ छुपा रहा है। हमारा हीरो गया किधर है कुछ पता है? कोटपल्ली के पास है मुक्तेश्वरम। ए, वो देखो वही चाचा। है तुम्हारे चाचा। हाय चाचा। चाचा। हाय। सो किड्स, हाउ आर यू? भैया। तुम ठीक हो ना? हाँ भैया। हाँ। तुम कैसी हो भाभी? एकदम ठीक। और तुम कैसे हो? माँ कैसी है? अच्छी। चलो चलो स्टॉप आ गया। गुड़बल्ली गुड़बल्ली। लात मार मार भाई। कमर की पैंट बच गई। इसको पूछ। ओ भाई मेरे, मुक्तेश्वर कहाँ है? वहाँ नदी के अच्छा, पास। वहाँ जाएंगे कैसे? टाइटैनिक पे। अरे भाई रास्ते में बर्फ का टुकड़ा आ गया तो डूब के मर जाना और क्या। अबे ये बोट पे बाइक और साइकिल की चढ़ाई है? जरूरत पड़ने पे ट्रक भी चढ़ा देते हैं। चलना है नहीं चलना है? इनी मासी ने। भाई दूसरे गांव से हो क्या? इसके तो इसके भाई। अच्छा यहाँ कब आए? आज ही आए हैं। ये पानी कितना गहरा है भाई? डूब के देख लो। ए तू मेले में आ रहा है ना? अरे तुम चलो ना, मैं आता हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मेला मेला देखने के लिए। मेला वहाँ उधर। ठीक है मेले में मिलते हैं। जाओ। अरे अबे राजू उसे बालू की फोटो दिखा दे, हमें कुछ बता देता। अबे थोड़ी तो अकल यूज कर, अगर उसने बालू को बता दिया तो गधा कहीं। अबे तो हम सीक्रेट मिशन पे आए हैं ना? अरे सीक्रेट है तो धीमे बोलने। सॉरी ये मरवा। राजू हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? पूरा गांव मेले में गया है तो कहाँ ढूंढेंगे? और जोर से। बालू भाई बैठो। अबे इसे तो हम फिल्म का हीरो बनाना चाहते हैं, ये फैमिली का हीरो बना हुआ। अंकल यहाँ आओ ना। ए अंकल किसको बोला बे? मेरी तो शादी तक नहीं हुई है। जैसे कि होती भी नहीं है। अबे लड़कियाँ मरती है। अरे बिल्कुल साउथ की फिल्मों के विलन जैसा दिखता है। सुन हैंडसम, चल एक बात बताना, उस फैमिली को जानते हो क्या? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, सुंदर मास्टर के दो बेटे हैं, बड़ा भाई भास्कर और उसका परिवार, और छोटा भाई सूर्या मिलिट्री ऑफिसर है। मिलिट्री मिलिट्री में कब गया? हाँ बेना बोलो। बालू की कोई खबर मिली? वो खुद मिल गया है, लेकिन इधर उसका नाम पता है क्या है? सूर्या। सूर्या? और ऊपर से सब इसको मिलिट्री वाला समझ रहे हैं। बालू मिलिट्री में है, पता लगाओ क्या चक्कर है। फोन रखो बेना, मैं सीक्रेट मिशन पे हूँ। आप सबका स्वागत है, मेले में आए नौजवानों के लिए ये एक मौका है कुश्ती में अपना हुनर दिखाने का। जो पहलवान को हराएगा बोलो बेटे। आप भी लड़ो ना। उस सांड के साथ मैं? हाँ चाचा, पापा में इतना दम कहाँ? आप तो मिलिट्री में हो ना, एक झटके में हरा दोगे। अरे ये क्या जिद हुई, कोई फाइट नहीं करेगा आज, चलो यहाँ से। अरे तुम चुप करो, ये लड़ेगा और जीतेगा भी। हाँ चाचा, इन सबको धूल चटा दो। हाँ। जरा सोचो 10,000 में मैं कितने खिलौने खरीदूंगा। हाँ, उनकी बजा डालो इनकी। ऐसा हरी बाबू, तुम लड़ोगे इससे? पहले तुमको इससे लड़ना होगा, हराने के बाद उससे लड़ना होगा, उसे हराने के बाद तीसरे से लड़ना होगा, इन्हें हराने के बाद 10,000 मिलेंगे। कहा हुआ? ओह
मतलब कि पहले इस डेढ़ पसली से लड़ो, फिर उस जोकर से, और फिर इस जंगली को भी पछाड़ना होगा। नहीं रे, इतना टाइम है ही नहीं अपने पास। एक साथ सबको आने को बोल। आ जाओ पंट्रो। अरे छोटे, हैप्पी ना? आजा बेटा। मस्त लड़ाई की आपने। कंग्रेचुलेशन नौजवान, बहुत अच्छा लड़े तुम। ये लो, ये तुम्हारा प्राइज। ये लो बच्चा बाटी, तुम्हारा प्राइज। थैंक यू चाचा। चाचू, कल मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। कुछ चाहिए क्या आपको? पैसे मिलेंगे? कहाँ से? कल रक्षाबंधन है ना, जब भाई को राखी बांधूंगी तो पैसे तो मिलेंगे ना। कल राखी है ना? हाँ चाचा, छोटी मुझे हर साल राखी बांधती है। पर आपको और पापा को कौन राखी बांधेगा? कितना कॉल किया, आउट ऑफ स्टेशन थे क्या? मुझे लगा इस बार बांध ही नहीं पाऊंगी। राखी हो और मैं तुम्हारे पास ना, चाहन सी नहीं है। ये तुम्हारा गिफ्ट। नहीं भैया। अरे बड़े भाई को कभी मना नहीं करते। ओके ठीक है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर कब आओगे? अगले महीने ट्राई करूंगा। बाय। चल ढीला। किससे मिलना है? हटो ने बहन। क्या चल रहा है? तुम कौन हो? बालू से क्या झोल चल रहा है? तुम लोग हो कौन? हम दोनों बालू के लंगोटिया हैं। अबे बालू को लल्लू समझ के पटा रही है उसको तू? हम दोनों उसके बचपन के रियल फ्रेंड हैं और नंदनी उसकी बीवी होने वाली है, हमारी भाभी है वो। बॉयफ्रेंड चाहिए तो फेसबुक पे ढूंढो, नहीं मिला तो इंस्टा पे ढूंढो। मेरे दोस्त को जाल में मत फंसाओ, चीटर छोकरे। ए हेलो, अकल घास चरने गई है क्या? लड़की और लड़के के बीच एक ही रिश्ता होता है क्या? और कोई संबंध नहीं होता? भाई और कौन सा होता है? हमें तो ये पता। मेरा भाई है ऋषि। ऋषि? ऋषि कहा? हाँ बेना, उसने यही नाम बोला। कोई सूर्या बोल रहा है, कोई शिवा बोल रहा है, लड़की ने ऋषि बोला। इधर कौन बनेगा रिश्तेदार? रिश्तेदार खेल रहे हैं। अच्छा, लगता है फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक्टर बन चुका है। पूछते हैं उससे। वापस लौट आया दादू, जल्द मिलते हैं। ओके बाय। हे गाइस, ए एक कॉफी ऑर्डर करना। भाई सेवा के लिए कॉफी मंगवाओ। अबे और कॉफी के साथ तेरे लिए चाट मंगा लूं सूर्या। कॉफी के साथ कुकीज अच्छी रहेगी, है ना ऋषि? ऋषि। So tell us, आज के बाद किस नाम से बुलाए तुम्हें? शिवा, ऋषि, सूर्या या बालू? Got it. जिस बात को आज तक मैंने छुपा के रखा, उसका आज भांडा फूट गया। भांडा तो हमने फोड़ा है, सीक्रेट ऑपरेशन किया था, एक था टाइगर फिल्म जैसा। ओ, तो मेरा पीछा किया तुमने? हा? हर रिश्ते के लिए अलग नाम, ये क्या टाइम पास चल रहा है बालू, बताओगे? मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन सब से लगाव है। पैसों के लिए तो लोग असली रिश्ते भी तोड़ देते हैं और तू यहाँ फुकट में रिश्तेदार बना रहा है। मेरे असली पोते से बढ़कर है वो, जब अपने घर में कुछ ना मिले तो उसे हम बाहर ही ढूंढेंगे ना। ये मत समझना कि हमारे पोता नहीं है, बाकायदा है, अमेरिका में रहता है, हमारे परिवार का एक लौता सदस्य। बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद हम उसके पास रहने के लिए अमेरिका चले गए। पूरे 6 महीने रहे, वहां रहकर हमने जिंदगी की सच्चाई समझी। हमें ये समझ में आया कि हमारा अस्तित्व घर के फर्नीचर के समान था, निर्जीव वस्तुओं की तरह प्यार पाने की अपेक्षा ना रखते हुए हम वहां रहे। हम मजबूर थे, भावनाएं भी मरने लगी, सो हम इंडिया वापस आ गए। और एक दिन इन्होंने मुझसे कहा, आखिर हम जिंदा किस लिए हैं? ये जीवन का क्या अर्थ है? दुनिया में कोई हमें पूछने वाला नहीं है, 2 पल साथ बैठने वाला, बात करने वाला नहीं है। हम वस्तुओं की तरह जी रहे थे,
जीने का कोई मकसद नहीं था। जीवन का हर रंग देख चुके थे। हमारा अस्तित्व हमें बोझ लगने लगा था। मौत के इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचा था। लेकिन फिर ये क्या कर रहा है? जब हमने उसे खुद को मर जाने की वजह बताई, तब उसने हमें जिंदा रहने की वजह समझाई। उसने कहा कि वो हमारा पोता ही नहीं, साथ में हमारा बेटा भी है। सम्मान, श्रेय, सब कुछ दिया उसने, और उस दिन से वही हमारी जिंदगी बन गया। चलो समझ आया, ये दोनों इसी शहर से हैं और बाय चांस तुम उनसे टकरा गए। पर ये मुक्तेश्वर वाले परिवार से कैसे मिले थे तुम? हम नहीं मिले, हमें मिलवाने वाले भगवान थे। मेरे पति अपने छोटे भाई सूर्या से बहुत प्यार करते थे। सूर्या आर्मी में जॉब करता था, हर 6 महीनों में एक बार घर आता था। एक दिन जब वो घर आया तो दोनों एक साथ बाइक पर घूमने निकले, पर अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। सूर्या की उसी समय मौत हो गई और इन्हें सर पर जानलेवा चोट आई। डॉक्टर ने बताया कि दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो चुका है। उनका भाई सूर्या अब नहीं रहा, ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। जब भी उसकी उम्र के किसी आदमी को देखते, उसे अपना भाई समझने लगते और किसी को भी गले लगा लेते। कुछ लोग इन पर गुस्सा होते और कुछ लोग तो डांट भी लगा देते। इन्हें चेकअप के लिए हैदराबाद लेके आई थी बड़े डॉक्टर को दिखा। मैं अभी फ्री हुआ हूं। वहाँ कुछ शूटिंग चल रही थी। देखो देखो मेरा भाई, अरे मेरा भाई, तो हम लोग शाम से मिले। तू कहाँ था? कैसा है तू? यहाँ क्या कर रहा है? महीनों से तुझे नहीं देखा। सुनिए तो, आंखें तरस गई थी मेरी। अरे भैया कैसे हैं? तू ठीक है ना? फिट एंड फाइन भैया। आखिर तू लौट आया। सब उनकी पीड़ा समझते तो थे, लेकिन बालू ने उसे महसूस किया। मैंने बालू से तभी कहा कि हर 6 महीनों में सूर्या बनके गांव आ जाए, और बिना किसी हिचक के बालू राजी हो गया। तब से अपना वादा निभा रहा है। और उस मेघना के भाई कैसे बने? मेरे भैया तो जैसे मुझे भूल ही चुके थे। उनकी शादी से पहले रिश्तों में बहुत मिठास थी, लेकिन भाभी के घर आने के बाद ना जाने क्यों वो मुझसे चिढ़ने लगे। और एक दिन मुझसे भाभी ने कहा कि मैं जाकर हॉस्टल में रह लूं, और भैया भी उनकी बात से सहमत थे। मैं किस हाल में हूँ किसी को नहीं पड़ी थी। और फिर हॉस्टल के बाहर होली वाले दिन एक छोकरी के वास्ते अपुन से पंगा ले रहा है? क्या लगती क्या है तेरी? मेरी बहन है। अरे मेरे भाई, जिनको अपने घर वालों ने ठुकरा दिया उन पे टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि अपनों के ठुकरा देने का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। माता पिता की मौत के बाद मुझे पूरा यकीन था मेरे रिश्तेदार मेरा साथ देंगे, लेकिन एक ही दिन में मेरा भ्रम टूट गया। तो इसका मतलब है कि हर एक अनाथ बच्चे का ठेका लिया है हमने। ये हमारे साथ हमारे घर में हरगिज नहीं जाएगा, समझे आप? क्या करें, एक आधा हफ्ता रुकना समझ आता है, लेकिन अगर इसे घर ले गए तो इसका बोझ भी हमें उठाना पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, इसके ननिहाल वाले संभाल लेंगे, इससे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ओए बालू, खूब पढ़ाई करना, अब तुम्हें अपने घर ले जाते, पर काशी जाना है, वहां से लौटते ही लेकर जाएंगे। माँ बाप नहीं रहे तो क्या हुआ, हमें अपना समझो बेटा। जब भी तुम्हें मिलने का मन करे एक दो दिन के लिए हमारे पास आ जाना, ठीक है बेटा? अरे हाँ बेटा, ये पैसे ले लो, काम आएंगे। चाची थोड़ी मिठाई लो ना। नहीं ले सकती, मुझे शुगर है। किसके लिए? शैतान कहीं का। हालत देखिए ना बच्चे की, कम से कम 100 रुपए तो दे दीजिए ना इसे। ठीक है। इस बार समर वेकेशन में क्यों नहीं आए मामा? सॉरी बेटा, अगली बार जरूर आएंगे।
इतने रिश्तेदार होने के बावजूद मैं जिंदगी में एकदम अकेला पड़ गया था। जीवन की सच्चाई उसी दिन समझ गया था। कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो आज तक नहीं बोला। शायद इसीलिए जब मैंने उन सभी बेसहारा लोगों को देखा, उनसे रिश्ता जुड़ गया। और इसी से मुझे एक सॉलिड आइडिया आया, एक्चुअली डिस्कस करने वाला था। क्यों ना सभी जरूरतमंदों की मदद करें। सबकी मदद कैसे करेंगे? इमोशन सप्लायर्स। इमोशन सप्लायर्स एप्लीकेशन है क्या? हमारे पास सब मिलेगा, बेटा बेटी, मम्मी पापा, बड़ा भाई, छोटी बहन, हर तरह के रिश्तेदार हम सप्लाई करेंगे। जिसे जो भी रिश्ता चाहिए वो हम देंगे। भाई रिश्तेदार को जलेबी फाफड़ा थोड़ी है, जो उनको सप्लाई करेंगे। नकली रिश्तेदार क्यों भाई? रिश्तेदार जब पास होते हैं तब अच्छा लगता था, लेकिन जब वो एक एक करके दूर हो जाए तो। अबे आजकल की जनरेशन खुद की फैमिली को तो घास नहीं डालती है, दूसरे की फैमिली को क्या घंटा पूछेगी। हाँ हमारे क्लाइंट्स बहुत कम लोग होंगे, सबके होते हुए भी जो लोग अकेला महसूस करते हैं, ना कोई बर्थडे विश करने वाला, ना कोई उनकी बात सुनने वाला, ना कोई इंतजार करने वाला। ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या लोग इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर पाएंगे? 25 साल पहले क्या किसी ने कभी सोचा था कि सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा? लेकिन आज हर एक की जेब में स्मार्टफोन है। ये तो है। होटल्स के बारे में सोचो, पहले बस घर के अंदर ही खाना बनाया जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ जहां देखो हजारों होटल्स खुल गए, और अब तो लोग बाहर का ही खाते हैं। और हम सब तो वैसे भी फिल्म के एक्टर्स हैं, अब असली जिंदगी में एक्टिंग कर लेंगे। पर मुझे एक डाउट है, दोनों पार्टी जानती हैं कि रिश्तेदार नकली हैं, तो ऐसे में संबंध कैसे जुड़ेगा? स्कूल से बंक मार के फिल्में देखी। हाँ। तो जब हम लोग कोई फिल्म देखते हैं, सबको पता होता है वो नकली है, लेकिन फिर भी उनके जोक्स पर हम हंसते हैं, उनका दुख देखकर हम रोते हैं, एक्टर के हर इमोशन के साथ हम जुड़ जाते हैं और फिल्म की कहानी में भी घुस जाते हैं। नकली है ये जानते हुए भी उनकी भावनाओं को हम महसूस करते हैं ना। जैसे एक्टर का काम होता है ऑडियंस के दिल को छू लेना, हम अपने क्लाइंट की भावना को छुएंगे। प्रोड्यूसर मैडम शुरू करें। जैसा तुम कहो हीरो। वैसे कंपनी का नाम क्या रखेंगे? हाँ, ऑल इज वेल इमोशन सप्लायर्स। जो अपनों का प्यार तुमने जिंदगी भर चाहा, वो तुम्हें कभी नहीं मिला, इसलिए तुमने ये काम शुरू कर दिया। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। All is well emotion suppliers. वासुदेवम कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, हम आपके साथ हैं। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो हमें कॉल कीजिए। अगर आपका बेटा कहीं दूर देश में पढ़ने गया है और आप उसकी याद में तड़प रहे हैं, तो हमें कॉल कीजिए, हम आपकी ये कमी पूरी कर देंगे। हाय, आपकी बहना हॉस्टल में है कि आपसे दूर रह के आपको याद नहीं करती? प्रेस करो 2, एक बहना राखी लेके आपका इंतजार करेगी। एक प्यारी सी पोती चाहिए तो 3 दबाइए, और नॉटी पोता चाहिए तो 4 दबाइए। जो भी रिश्तेदार चाहिए हमें कॉल कीजिए। इमोशन सप्लायर्स। ये लोग तो रिश्तेदार सप्लाई कर रहे हैं। क्या रिश्तेदार चाहिए वो सब मिलेंगे, मामा चाचा ताऊ सब ऑनलाइन मिलेंगे। क्या मतलब? जैसे हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं वैसे ही अब रिश्तेदार भी मिलेंगे। खोपड़ी लगाइए बंदों ने। अरे नकली रिश्तेदार किसे चाहिए माँ, असली से ही हम परेशान हैं। अभी तक एक भी क्लाइंट नहीं आया। अबे वाइन शॉप नहीं है जो शटर खोलते मुंह का गटर लेके आ जाएंगे लोग। वेट करो यार, आएंगे। हेलो अंकल, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा नाम शिवा राव है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन यहाँ इंडिया में मैं अकेला ही रहता हूँ। तो आपको एक बेटा चाहिए, राइट? हाँ। यानी कि आपका अश्लील बेटा बुढ़े बाप को छोड़ के मजे कर रहा है? एक गलत शब्द मत कहना मेरे बेटे के खिलाफ, वो मेरा पूरा ख्याल रखता है। यहाँ रहने के लिए एक बड़ा फ्लैट दिलवाया, उसे इतनी फिक्र थी कि मुझे ऑटो या बस में घूमना पड़ेगा, इसलिए उसने मुझे एक कार खरीद के दे दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर महीने की पहली तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे सारे सुख दिए हैं उसने, लेकिन फिर भी मैं इतना अकेला हूँ। कोई बात करने को नहीं है, किसी को टाइम नहीं है मेरे लिए, बस यही वजह है सर, मुझे अपने घर पे एक बेटा चाहिए। अपने दिल की बात जो अपने बेटे से नहीं कर पाता, उस बेटे से कर लूंगा। ओके अंकल, आइए। आपके बेटे का नाम क्या है? आदित्य। नाइस नेम। हे विक्रम, आज के बाद यही आदित्य है। अंकल, आज के बाद इसी को अपना बेटा समझिए। जो बातें आप अपने बेटे के साथ शेयर करते थे, वो अब इसके साथ कर सकते हैं।
ए सुदर्शन, अर्जेंट कहाँ है? हाँ समझ गया, वीडियो का टाइटल चाहिए ना तुझे, वही डॉक्टर वाला वीडियो। डॉक्टर के क्लिनिक में जाते ही लाचार महिला पेशेंट जोर से चिल्ला उठी। ओहो ब्रिलियंट, क्यों चिल्लाई वो, डॉक्टर ने ऐसा क्या किया? अरे डॉक्टर ने उस मासूम महिला को इंजेक्शन लगा डाला। बस एक इंजेक्शन के लिए इतना खतरनाक टाइटल? अबे कितनी बार समझाऊं, यहाँ खतरनाक टाइटल ही बिकता है, जितना खतरनाक उतने ज्यादा व्यूज, समझी ना। हेलो, ऑल इज वेल इमोशन सप्लायर्स, आपकी वेबसाइट पर लिखा है कि आप हर प्रकार के रिश्तेदार देंगे। यस मैडम। क्या आप 70 साल के आसपास की दादी माँ भेज सकती हैं? आपको दादी चाहिए? हाँ, मेरी बेटी सपना अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिछले महीने वो चल बसी। माई डॉटर शी इज वेरी डिप्रेस्ड। तो क्या आप उनकी कमी पूरी कर सकते हैं प्लीज? इस एज की लेडी तो। ओके मैडम, अपना एड्रेस हमें भेज दीजिए, कल दादी माँ पहुँच जाएंगी। थैंक यू। देखो तुम्हें काम करो। अब दादी कहाँ से पैदा करोगे? इस एज में बेटी बहू का रोल तो कर सकते हैं, लेकिन दादी का कैसे करेंगे? अबे क्यों नहीं कर सकते, मेकअप मैन को बुलाते हैं, किसी को भी चाची 420 बना देंगे और क्या। मेकअप से सिर्फ दिखावा बदलता है, भावनाएं नहीं आती। तो ये बता क्या करेंगे भाई? माता जी। कौन हो तुम? आप हमें नहीं जानती, लेकिन आपसे काम था। जिसे कई सालों पहले खुद के बच्चे यहाँ छोड़ गए हो, उससे तुम्हें क्या काम? माँ जी, क्या आपका अपने पोते पोती के साथ खेलने का मन नहीं करता? करता है बेटा, किसका नहीं करेगा। इस उम्र में यही तो एक ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। माँ जी, आपकी किस्मत बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं आपको पोती के साथ खेलने का एक मौका जरूर दे सकता हूँ। समझी नहीं? सब समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज कई दिनों बाद अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखी। भगवान आप सबको सदा खुश रखे। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी के लिए। क्या हुआ? ये सब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज माँ की याद आ गई। अभी अगला वीडियो जो होगा ना। हाँ, कैसा? दर्शन, ये सुनना। क्या है? नए वीडियो का कोई मस्त टाइटल देना। अबे घोचू तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? शादी करने के बाद सुहागरात में भी मुझे बुलाएगा क्या? वीडियो बना लेता है, टाइटल दे नहीं पाता। वही बैंक वाला वीडियो ना। हाँ भाई। बैंक मैनेजर की घिनौनी हरकत देखकर लड़की की आंखों से आंसू टपक पड़े। सुपर। ऐसा क्या किया बैंक मैनेजर ने? अरे बेचारी का लोन सैंक्शन नहीं किया। छी, एक लोन के लिए इतना भयानक टाइटल। अबे ऐसे ही टाइटल्स तो मिलियन व्यूज देते हैं, यही ट्रेंड है, दिमाग में बैठा ले। बताइए सर। अच्छा तो बताओ, यहाँ सब टाइप की वैरायटी मिलेगी ना? जी सर, आपको कौन चाहिए? बेटा चाहिए। आपके भाई जो ही है? बहन? पापा? आप? क्या चाहिए? वाइफ। बैरू जो ही है? वाइफ? 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 हैं? वाइफ से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उसमें इमोशन नहीं होते क्या? खुद की वाइफ नहीं है क्या? अरे है ना, लेकिन यहाँ नहीं है, अपने मायके गई है। अब क्योंकि वो घर पे नहीं है तो मैं अपने आप को कंट्रोल। अरे भाभी जी को फोन करके पाछा बुला ले। कौन है ये? इधर काम करता हूँ। इधर आ तो। बोल भाई। मायके जाने वाली वाइफ और बेवड़े दोस्त को वापस नहीं बुलाते? क्यों? तेरी शादी होगी क्या? करनी ही नहीं है। अपना एड्रेस दे दो। ओके। कमिंग डार्लिंग। टड़ा टड़ा। हाय। वेलकम, कम इन माय हार्ट। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड, बैठ जाओ। किसी पड़ोसी ने देखा तो नहीं? महक तो बिल्कुल जन्नत जैसी है। आज तुम्हें असली जन्नत दिखाऊंगी। ऐसा क्या? अब थोड़ा नाच गाना हो जाए। कौन रंग में ढंग डालने आ गया? कौन है? अरे
वो कौन है ये? पत्नी हूँ तुम्हारी तरह, एक फर्क है, तुम परमानेंट हो, मैं टेम्पररी। अरे छोड़ूंगी नहीं। वैसे तुम बिना नोटिस के क्यों आ गई? अपने आप नहीं आई, उसने मुझे बुलाया। ये क्या सर, मछली के साथ साथ जाल भी भेजते हो, ये तो सरासर बेईमानी है। बीवी के जाते ही दूसरी बीवी ढूंढना, क्या ये ईमानदारी है? ये काम इसलिए शुरू किया कि लोगों का अकेलापन दूर हो सके, ना कि तुझ जैसे बेशरम मर्दों की उम्मीद है। उस दिन ही मना कर सकता था तेरे मुंह पर खींच कर एक लाफा मारकर, लेकिन मेरे यहां से निकल के तू कहीं और मुंह मारता। चलो स्वाति। हाँ एक बात और, तू तो दूसरी पत्नी मांगने के लिए आया था ना, कल तेरी पत्नी ने दूसरा पति मांग लिया तो? इस गुस्से को हमेशा याद रखना, ये सीख अपने मेमोरी कार्ड में घुसेड़ ले, फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। माफी चाहूंगा। हाय कैसी हो? बिल्कुल ठीक दीदी, आप बताओ? फाइन, लो अपने जीजू से बात करो। ए हाय, तुम्हारे नए काम के बारे में सुना, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। हमें जिस किसी भी रिश्तेदार की कमी है तुम लोग उसे पूरा करते हो, सही बोला ना? यस करेक्ट जीजू। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई किशोर से शादी कर लो। ओके नॉट इंटरेस्टेड, बाद में बात करेंगे। जवाब दिए बिना ही फोन काट दिया। अरे तुम बिना हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए हो। अरे लेकिन मेरा भाई जिद पे अड़ा है, वो नंदिनी से ही शादी करेगा। मुझे पता है क्या करना है, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ से बात करके उसे मना लूंगी, सब मुझ पर छोड़ दो। ओके। मेरा नाम गायत्री है, पति का नाम राम शर्मा है, हम गोदावरी में रहते हैं गांव के पास। हमारा एक बेटा था, उसका नाम आचार्य था, वो हमारे जिगर का टुकड़ा था, लेकिन 20 साल पहले हमारा बेटा गोदावरी की नदी के पास कहीं खो गया। पूरे गोदावरी में हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। आज भी हर दिन मेरे पति उसे नदी के किनारे ढूंढने चले जाते हैं, वहाँ घंटों बैठे रहते हैं और उसका इंतजार करते हैं। आचार्य बहुत शरारती था, कॉलोनी में सबकी बाइक पर जाके बैठ जाता था। मेरे पति ने उसके लिए नया स्कूटर खरीदा और हर दिन उसे घुमाने ले जाते। बेटे को खोने के बाद दुख में उन्होंने आज तक उस स्कूटर को नहीं छुआ है। पिछले 20 सालों से घोर पीड़ा सहने के बाद और उनके निरंतर प्रयासों को देखने के बाद शायद भगवान को भी उन पर तरस आ गया और उन्हें वो अपने पास बुला रहे हैं। उन्हें कैंसर है, बस 4-5 महीने ही हैं उनके पास, लेकिन इन आखिरी दिनों में मैं उनके चेहरे पर सुकून और खुशी देखना चाहती हूँ, और वो सिर्फ तब खुश होंगे जब उनका खोया हुआ बेटा उनके पास लौट आएगा। मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप में से कोई मेरा बेटा बनकर आ सकता है? लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि वो उनका असली बेटा नहीं है, उनका दिल टूट जाएगा। तो क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल आंटी, आप जो चाहती है हम आपको जरूर देंगे। आचार्य जैसा? बिल्कुल आचार्य जैसा। आचार्य देखो तुम्हारी माँ आई है, इन्हें पहचाना नहीं? माँ जी, अगर आज वो जिंदा होता तो शायद तुम जैसा ही दिखता। बिल्कुल आचार्य जैसे हो तुम। माँ जी उसके जैसा क्यों, मैं ही आचार्य हूँ। आचार्य की जिंदगी की हर छोटी छोटी बात इसमें लिखी है, लेकिन ये राज ही रहेगा ना? सपने में भी उन्हें शक नहीं होने दूंगा। आप बस अंकल को तैयार कीजिए, कल आपका खोया हुआ बेटा बड़े धूमधाम से वापस आएगा। ये। क्यों भाई प्रसाद, आज कोई उत्सव है क्या? अपने राम शर्मा है ना, उनका बेटा खो गया था। हाँ। लेकिन आज वो लौट आया है। अरे वाह, भगवान ने अच्छे कर्मों का फल दिया है। हाँ। ए प्रोड्यूसर, ओए प्रोड्यूसर, इधर इधर।
क्या हुआ हीरो? ये तामझाम जरा ज्यादा नहीं हो गया? अरे अगर बेटे की शादी के दौरान इतनी रौनक होती है तो जब वो लौट कर वापस आता है तो पार्टी तो होगी ना। बात समझ में आई? एक मस्त आइडिया आया है। अब क्या है? बेटे के लौटने पर इतनी खुशी है तो बोनस में बहू भी मिल जाए तो? उन्होंने सिर्फ बेटा ऑर्डर किया। उन्हें बेटा चाहिए और मुझे बालू चाहिए। ये है वन टाइम बम्पर ऑफर, एक के साथ एक फ्री। सॉलिड आइडिया है ना? नहीं? येड़ी हो गई है क्या? यस, तुम्हारे प्यार में येड़ी। तुम तो आई लव यू बोलने से रहे, तो फिलहाल यही अरेंजमेंट चलेगा। दो मुझे दो। अरे बस 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 आ गए। नमस्ते आंटी, कैसी हो? मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। आपकी बहू है? बहू है? अरे ये बोनस ऑफर है आंटी, बाय वन गेट वन फ्री। माँ पापा कहाँ हैं? वो रहे, आ रहे हैं। आचार्य, आचार्य, मेरा बेटा, कईयों ने कहा कि मेरे बेटे को उन्होंने कहीं देखा, ठीक तुम्हारे जैसा है, जैसा सबने बताया तुम वैसे ही दिखते हो। तुम्हें ढूंढा आसपास के गांव में भी, लेकिन तुम नहीं मिले तो खुद को समझा कर ढूंढना बंद कर दिया मैंने। लेकिन आज सिर्फ भगवान की दया से तुम मुझे मिल गए। वैसे बेटे को एक माँ से ज्यादा कौन पहचान सकता है, है? चलो पापा। अरे कहाँ ले जा रहा है? बताता हूं। देखो वही स्कूटर जो आपने मेरे लिए खरीदा था, वो दिन लौट आए हैं, मुझे घुमाने लेकर जाएंगे ना। नारायण मूर्ति, मेरे बेटे को देखा? पता चला मुझे, बहुत बहुत मुबारक हो। लाइसेंस कहाँ है? पाना नहीं, लाइसेंस निकालो। साहब लाइसेंस भी है, आरसी बुक भी है। तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? साहब आज 20 साल बाद मेरा बेटा घर लौटा है, पूरे गांव को अपनी खुशी दिखाना चाहता हूँ। हेलमेट पहना तो पता नहीं चलेगा ना, फाइन देने को तैयार हूँ साहब। चलो फाइन नहीं लगेगा, लेकिन अगली बार से हेलमेट जरूर पहनना, ठीक है? जाओ। पिताजी ये लीजिए। ये लीजिए पापा। ए, क्या कर रहा है? कितनी बुरी तरह मार रहे हैं उसे। मारने दे रहे बाबा, तेरे को उससे क्या? क्या मतलब पिताजी, हमारी आंखों के सामने मार रहे हैं। चुप बैठ कर देखे, उधर देख। लड़ाई रोकना उनकी ड्यूटी है, चल घर चलते। भैया तो नारियल देना। ये सब क्या है पापा? दिन दहाड़े उसे पीट रहे थे और किसी ने रोका भी नहीं, किसके आदमी थे वो? गंगाराज, रेत माफिया है। मेरे रिटायरमेंट लेने की वजह भी यही लोग हैं। मैं इस गांव का रिवेन्यू ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन इसने मुझे रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बाकी ऑफिसर्स की तरह मैं बिका नहीं। यही कलयुग है, इंसाफ पापियों की जागीर है, कोई पुलिसमैन इनकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। ए,
सोचा मारूंगा, तुझे मारने का काम तो ये कर चुके हैं ना। ए, कभी कभी कुर्सी पर बैठा अफसर खुद को खुदा समझ लेता है तेरी तरह, और तुझ जैसों को उनकी औकात याद दिलाना हमारा काम है। सारी रेती हमारे नाम करने को कहा था साले को, पर माना नहीं, और आज हालत देखो। जब सर का मालिश करने को कहा तो सर फुड़वा रहा है। अबे बोल, मानेगा कि नहीं? नहीं मानूंगा मैं, ये हमारे गांव की रेती है, गांव वालों का अधिकार है इस पे। रॉड खोदूंगा लेकिन गांव नहीं बेचूंगा। अरे बुढ़पाक, तोहरे लिए ये बस रेत होगी, हमारे लिए तो ये सोना है। ये कमीने को देख के हमारी खोपड़िया में एक कविता याद आ गई है। चाहूं तो इस रेत से तेल निकाल लूं, किसी मृग मरीचिका से पानी पी लूं, अनहोनी को चाहूं तो होनी कर दूं, लेकिन एक मूर्खवा का दिमाग दुरुस्त कैसे करूं? ये जो अंतिम लाइन है वो तेरे लिए स्पेशल बनाई है। ऊपर वाले ने तुझे बहुत उम्र दी थी, लेकिन आज अपनी ही जिद से तूने उसे एक्सपायर कर दिया। मामला सलटाने की जगह तुम हमेशा इंसान को ही सलटा देते हो गंगा। गोल गोल ना घुमाओ। अरे छोड़ो भाई, कानून के मुताबिक ये सारे सैंड माइंस गांव के नाम है, और आज नहीं तो कल कोई और इस माइन का टेंडर जरूर भरेगा। सिर्फ एक अफसर ही इन्हें हमारे नाम कर सकता है। करेंगे कैसे? पुराने रेवेन्यू अफसर से बैक डेट में एग्रीमेंट बनवा कर सकते हैं। इससे पहले वो राम शर्मा अफसर था, हाँ। लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। पोस्ट से रिटायर हो चुका है, मरा नहीं है। पुराने डेट के अग्रीमेंट में उसका साइन ले लेंगे, और वैसे भी उसको तो कैंसर हुआ है, कभी भी मर सकता है। उसके मरने के बाद हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं बचेगा। बचपन में तू मस्त मसालेदार अमरूद चटपट खा जाता। ए शर्मा, इधर आ रे। गंगाराज ने तेरे को इस पर साइन करने के लिए बोला है। अपनी रेत की चोरी को मेरे जरिए कानूनी बनाना चाहते हो? मैं साइन नहीं करूंगा, चल जाओ। ए भाई ने बोला इसका साइन लेके ही जाना। तेरे तो भाई होगा वो अपने घर पर, उसको बोल भाईगिरी अपने घर पर ही दिखा। मेरे पिताजी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अपुन गंगाराज का आदमी है। गंगाराज का आदमी है तो क्या, तेरी हड्डियां तोड़ने से टूटती नहीं, शेर की मांद में हाथ डाला है, अब जिंदा नहीं बचेगा। जाकर बोल दे उस गंगाराज को, भाड़े के टट्टू बहुत देखे, राम शर्मा का बेटा हूं, अगर मेरे पिताजी को हाथ लगाने की दोबारा हिम्मत की तो मैं काट के रख दूंगा तुझे भी और उसे भी। हाँ बोल भाई। वो बुढ़ाओ ने साइन नहीं किया, क्या करने का उसका भाई? तू रुक, मैं देखता हूं। गायत्री थोड़ा पानी देना। मेरे लिए भी मां। ये पेपर यहां कैसे पहुंचे? गंगाराज आया था। मैडम नमस्ते, हमारा नाम गंगाराज है। नाम तो हमारा सुने ही होंगे, कुदरत ने बहुत तोहफे दिए हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु, पूरी दुनिया उनके बहुत मजे लेती है। उसी कुदरत ने रेत भी दी है जिसका इस्तेमाल हम करता हूँ, और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। मैडम, इंसान जो है वो कामकाज किए बिना खाएगा क्या? और आजकल तो रेत का हर जगह बहुत मांग है, तो अब सप्लाई करने वाला भी तो कोई हो, बस इसीलिए आपके पति की मदद चाहिए हमका। वैसे आपका वो खोया हुआ बेटा तो एकदम मर्द बनकर वापस लौटा है। हमारे मासूम से पंटरों को धमकी वमकी दी है उसने, उसमें थोड़ा डर पैदा करो। कहा कि पिछली बार तो गायब होकर वापस लौट आया, लेकिन अगर ई बार गायब हुई गवा तो कभी लौट के नहीं आएगा।
चलिए बाबा। कहाँ रे बाबा? उसे साइन चाहिए ना, उसके सामने करेंगे। गंगा, शर्मा अपने बेटे के साथ आ रहा है। पता है क्यों आया है यहाँ? डर। गंगाराज के डर से पूरा गांव कांपता है। बैठिए पापा। तुझे यहां बिठा के टाइम पास करने के लिए ना ही बुलाया है? कागज बाप साइन किए कि नहीं? नहीं किया और ना ही करेंगे। चलो कार्यक्रम शुरू करो। बचपन से ही मेरी एक आदत है, जब भी मुझे कोई कुछ देता है मैं उसे लौटाता हूं, चाहे वो प्यार हो या डर हो। बैठिए पापा, कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है। वैसे तू जब घर आया था तब मेरी मां को तूने मुझ में क्या क्या पैदा करने को कहा? वो डर। हाँ, डर। वो डर ही क्या जो किसी की बातों से पैदा हो, वो हिम्मत ही क्या जो किसी की धमकी से टूटे। बुरे समय में साया साथ नहीं देता, छतरी क्या चीज है? अपने सामने खड़े दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर बैठा तू। तूने मेरे पिता को सताया, मेरी मां को डराया, अब मेरी बारी। गवा का गंगाराज के इलाके में खड़ा है तू? इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर पूरे साम्राज्य पर राज करता है। देखने में तो शांत लगता है पर तूने तो असली रंग दिखा दिया। शांत तो प्रभु श्री राम भी थे, फिर भी उन्होंने रावण का वध किया ना। दादा, इस गोदावरी के एसपी को जानते हैं? कोई काम है क्या? बाप रे, ना कोई जान ना कोई पहचान और इतना बड़ा लफड़ा। मैं तो किसी अनजान आदमी के लिए कभी नहीं करती। ये तो माफिया है यार, फिर कुछ किया तो नहीं उसने? एक्शन तो हो गया, लव स्टोरी कब शुरू होगी? दीदी ने शादी के लिए फोर्स नहीं किया क्या? प्लीज जल्दी बताओ ना, अब तो पूरी कहानी सुन के ही रहेंगे। पहले गर्मा गर्म चाय, उसके बाद लव स्टोरी। 5 चाय प्लीज।
कहाँ बिजी हैं गुरुजी? एक बात बताइए, कहीं सच में तो उसकी कुंडली देखने नहीं बैठ गए आप? मैंने उसे वचन दिया था कि उसकी कुंडली को अच्छे से देखूंगा, और देखने से ये पता चला कि उसका जीवन तो समस्याओं से भरा है। पूरी कुंडली एक बार देख लूं, फिर उससे बात करूंगा। सबकी चाय खत्म हो गई, आगे क्या हुआ बताओ? काम शुरू किया तो लगा एक महीने में बंद करना पड़ेगा, लेकिन दो महीने में ही काम काफी बढ़ गया। उस समय के दौरान कई नए रिश्ते बनाए हमने। क्या रे हीरो, फोटोज देख रहे हो? देखो कितने रिश्तेदार बना लिए मैंने। दादा दादी, बड़े भैया, छोटी बहन, मम्मी पापा। सही कहा, लेकिन इन सब रिश्तों में राम शर्मा सबसे पसंद है मुझे। वो तो होंगे ही ना, तुम फोकट में उनकी बहू जो बन गई हो। मुझे नकली बीवी भी नहीं मानोगे क्या? अरे गंडो थे गए, तोड़ा तोड़ी कर रहा है। रिश्तों के नाम पे धोखाधड़ी करते हो हाँ? नकली रिश्तों की दुकान है ये। किसने शुरू किया ये? मैंने किया। यहाँ है साला, मारो उसे। जब ये दमदार खिलाड़ी हड्डियां तोड़ता है तो उसके बाद वो एक्सरे में भी दिखाई नहीं देती। तुम यहां किसी और के मेहनत से बनाए हुए ऑफिस को तोड़ने आए हो। टूटा हुआ फर्नीचर तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन तुम शरीर के टुकड़े कहां से लाओगे? शिवा, ये मेरा पोता है, अमेरिका से आया है। ये क्या है बॉस, इतने शरीफ दादाजी का इतना बदतमीज पोता? आखिर मैंने किया क्या है? रिश्तों का ढोंग करके उन्हें बेवकूफ बनाया है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? सॉलिड एक्टर हो बॉस, अपनी इस एक्टिंग से उन्हें बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं। ये क्या बकवास कर रहा है दादी माँ, कौन सी प्रॉपर्टी हड़पी है मैंने? हमारी सारी जायदाद इन्होंने तेरे नाम कर दी है, हमारे वकील से इसे पता चला, इसीलिए ये इतना गुस्सा है। ऐसा क्यों किया आपने? वो आपका पोता है ना? अरे बस नाम का पोता है ये, मेरे बेटे की औलाद है, इसलिए बस अपने नाम के आगे मेरा नाम लगाता है। जायदाद का नाम सुनकर यहाँ भागता हुआ चला आया। इतने सालों से इसे मेरी याद कभी नहीं आई, अब जाकर याद आया। मैं इतने सालों से कभी फोन नहीं किया इसने। जब इसके साथ वहाँ रहने गया था तब तो पूछता भी नहीं था मुझे। कम से कम जब हम यहाँ रहते थे साल में एक बार मिलने तो आता था, और हमारे साथ दो तीन दिन रहता भी था, लेकिन अब नहीं। और एक तुम हो, इसके एक कॉल करते ही भागे चले आते हो, मेरे साथ वक्त बिताते हो, मुझसे बातें करते हो। हमें सम्मान दिया तुमने, हम दोनों को जीने की वजह दी, और अब मैं अपनी पूरी जायदाद इस मतलबी इंसान के नाम कर दूं? ये गलत है दादू, मैं पोता होने का एहसास दिलाता हूं, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, जायदाद नहीं। आपसे एक विनती है, मेरे प्यार को पैसों से मत तोलिए। मैं इस बात से अनजान था, पता होता तो ये सब होने ही नहीं देता। सब कुछ तुम्हारा है, ओके ना? अगर ये थप्पड़ तुझे बचपन में पड़ा होता तो तू आज ऐसा नहीं निकलता। चल जा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये जरूर हिट होगा। हाय गाइस। हे हाय, व्हाट्स दिस वीडियो? लगता है काफी इंटरेस्टिंग है। Yes. Yeah, yeah. में कुछ लोगों ने मिलकर ऑल इज वेल स्टार्टअप लॉन्च किया। आपको कोई भी रिलेटिव चाहिए वो लोग सप्लाई करेंगे। ओह रियली? कुछ लोगों ने तो अपने अनुभवों का वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड किया है। सब बकवास है, कोई नकली रिश्तेदार कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी असली नहीं बन सकता। नौटंकी थिएटर के एक्टर्स होंगे, डोंट बिलीव देम, फ्रॉड लोग हैं। मेरा नाम शिवा राव है, बेटे का नाम आदित्य है, वो ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। जब जब उसका फोन आता है बहुत सी बातें करते हैं और मन करता है कि उसे मिलूं, लेकिन बदनसीबी से वो हमेशा बिजी होता है। शायद इसीलिए 5 मिनट में फोन काट देता है। इसीलिए मैंने इन लोगों से मदद मांगी। ये तो अंकल है यार। बालू, क्या किसी और को शिवा राव का बेटा बना दे यार, बुढ़ा हाथ धोकर पीछे पड़ गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक बार कमिट कर दिया ना तो चेंज नहीं कर सकते। अरे असली बेटा थोड़ी हूं, क्या फर्क पड़ता है? इमोशनल अत्याचार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उसने। हाय, आ गई मुसीबत। मेरा बेटा। हेलो। हाय। ये
आपने इमोशनल सप्लाई चालू किया, इसकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं लाइफ में क्या मिस कर रहा हूँ। मैं अपनी भावनाओं को मिस कर रहा हूँ। मुझे अपने डैड से बहुत प्यार है। उन्हें हमेशा से खुद का एक घर चाहिए था, लेकिन नहीं बना पाए, इसलिए मैंने उनके लिए घर खरीदा। बचपन में पापा मुझे साइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाया करते थे। नौकरी मिलने के बाद मैंने उन्हें एक गाड़ी खरीद के गिफ्ट की जन्मदिन पर। पापा खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन मां के गुजर जाने के बाद इनकी भूख मनो मर सी गई थी। कुछ मन भी करे तो उनके लिए खाना बना के कौन देता है, इसलिए मैंने घर में कुक रखवा दी। इतना करने के बाद मुझे लगा इतना काफी होगा, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन खुशी नहीं। आई एम सो सॉरी पप्पा, इतनी जरूरी बात मैं इतनी देर से समझ पाया, मुझे माफ कर देना। हे, सॉरी मत बोलो बेटा। नो, बिल्कुल नहीं बालू। पहली बार जब तुम्हारे पास आया था ना, तो सोचा था कि बात करने के लिए कोई तो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ही वापस आ जाएगा। थैंक यू बालू। ऐसा मत कहिए अंकल। ये एहसान कभी नहीं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच, यू चेंज्ड माय लाइफ। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। हीरो की आंखों में वो खुशी आज तक नहीं भूल पाए। अंकल की सारी भावनाएं आज हम खुद महसूस कर रहे थे। किसी और को खुशी देने से हमें कितना सुकून मिलता है आज पता चला। क्यों वर्मा जी, बेटे की शादी में बहुत बिजी है क्या? जी शादी में तो आपको पता ही है। सुना है लड़की वाले बहुत रईस हैं। रईस हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए। इकलौती बेटी है वो, सारी जायदाद को लूट लेने का प्लान है और यहाँ शरीफ बनने की नौटंकी कर रहे हैं। आप भी ना। अरे नहीं नहीं, आपके विचार सुनकर मेरा दिल तो बल्ले बल्ले हो गया। रख लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मीठा खाना छोड़ दिया इन्होंने, ये डाइट पर है। पिछले हफ्ते वो हलवाई की दुकान में 3 प्लेट जलेबियां ठूस गया था ये, और अब डाइट कर रहा है। और क्या हुआ? अरे ये डाइट कब से शुरू कर दिया तुमने? चलती हूँ शारदा, इन्हें शादी के दिन दफ्तर भेज देना, कहीं इनकी वजह से शादी ना टूट जाए। चलिए जी। अजीब लोग हैं, पहले इनविटेशन कार्ड देते हो बाद में बोलते कि मत आओ। दिल की जहरीली बातें जुबान पर आ गई और तुम यही सब करते रहना। यहाँ देखो सबकी शादियाँ होती जा रही हैं और तुम्हारी बिटिया रानी को तो शादी की पड़ी ही नहीं है। जब भी उससे बात करो तो कभी बालू की रट या वो नया रिलेशंस इमोशंस का नया ड्रामा चालू कर देती है, बस शादी की बात नहीं करती। ए, रुको रुको रुको, यहीं पे। सर्व मंगल मंगल। और पापा, पूजा हो गई? माँ जरा ये फल अंदर रख दो, पापा के लिए बहुत अच्छे हैं, उन्हें ये फल रोज खिलाना। नहीं खाया तो क्या होगा, मर जाऊंगा? धोखा खाने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। नहीं, क्या हुआ पापा? हरगिज नहीं, पापा मत कहो मुझे। बेटा बनना तुम्हारा धंधा होगा, लेकिन बाप बनना मेरा नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। शर्मा जी ये वीडियो देखिए तो। कोई भी रिश्तेदार चाहिए तो हमें कॉल कीजिए। और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। धोखा दिया है आपको। www.allisbell.com। तुमने झूठ बोला ताकि तुम मुझे खुशी दे सको। सच पता लगने पे कितना दुख होगा तुमने कभी सोचा? तुम्हारे लिए ये एक झूठ था पर मेरे लिए जिंदगी का सच। पापा मेरी बात सुनी। मत बोल पापा। मुझे लगा मेरा बेटा लौट आया, मैं तो स्वर्ग में था, पूरे गांव में तुम्हें अपने साथ घुमाया। मेरा बेटा लौट आया, मेरा बेटा लौट आया सबसे कहता फिरा, लेकिन आज के बाद अपना सर कैसे उठाऊंगा? मेरी बीमारी के कारण सबको मुझ पर दया आती थी और अब लोग मेरी पीठ पीछे हंसते हैं, मेरी बुराई करते हैं। सोचा था रिश्तों में कभी व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन तुमने भावनाओं को धंधा बना के पैसे कमाने का जरिया बना दिया। किसी की भावनाओं से खेल के कभी सुखी नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। जा, निकल जा, निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। Get out! पिताजी,
पिताजी। ओह सॉरी, हमारा क्या रिश्ता है? अभी आपने जिसे घर से निकाला, आचार्य, मेरा मतलब मेरा बालू, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। हमेशा एक ही बात करता आया है, इंसान जैसा बोएगा वैसी ही फसल पाएगा। जिंदगी में उसने सिर्फ प्यार बांटा है, इसमें बालू की क्या गलती है? वो यहाँ किसी निजी वजह से नहीं आया था, आपकी पत्नी ने ही उसे बुलाया था। अपने माता पिता को बचपन में ही खो देने के बाद हॉस्टल में पला बड़ा है वो, आप में उसे अपने पिता की छवि दिखाई थी, आपसे बेहद लगाव है उसे। आपकी हर एक तकलीफ में वो आपके साथ खड़ा रहा, आपका सगा बेटा नहीं है सोचकर वहां से भाग नहीं गया वो। उस दिन गंगाराज के गुंडों से लड़ा वो, अगर उसे कुछ हो जाता तो। डॉक्टर ने क्या कहा था आंटी, कि कैंसर के कारण आपके पति 3-4 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। कम से कम इनके आखिरी दिनों में खोए हुए बेटे का सुख आप इन्हें देना चाहती थी, है ना? इस घर में आए हुए हमें 6 महीने हो चुके हैं और आपकी सेहत में ये जो बदलाव आया है, ये डॉक्टर्स की वजह से नहीं आया है, बालू की वजह से आया है। इंसान को सिर्फ दवाइयां जिंदा नहीं रखती, भावनाएं रखती हैं। उसने आपको पिता का सम्मान दिया, आपको निस्वार्थ प्यार दिया, उसकी दी हुई खुशी ने ही आपकी उम्र बढ़ाई है। अगर आपका बेटा भी लौट कर आता तो इतना ख्याल वो भी नहीं रख पाता जितना बालू ने रखा। हम दोनों की वजह से कोई दुख पहुंचा हो तो प्लीज बच्चा समझकर हमें माफ कर देना, वी आर सॉरी। बिना सोचे कुछ भी बक दिया, घर से निकलने को कहा फिर भी तुम नहीं गए। पापा ये क्या है पापा, पेरेंट्स के डांटने से बच्चे घर छोड़ के जाते हैं क्या? ऐसा होता तो कोई बच्चा घर में रहता ही नहीं। आप मेरे पापा हैं, मुझे डांट लगाने का हक है आपको। लेकिन तुम तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर हो बालू। मेरे अंदर का सोया हुआ पिता उसे फिर से जगा दिया, मुझे नया जीवन दिया। भगवान हर माँ बाप को ऐसा बेटा दे। आजकल तो थोड़ी सी भी अनबन पर बच्चे घर छोड़ देते हैं, लेकिन बालू तो पराये होते हुए भी इतना सम्मान करता है। राम शर्मा जी बहुत खुशनसीब हैं। हाँ बिल्कुल है, हम जितना कर सकते थे हमने सब किया, पर एक दिन बालू ये अंतिम संस्कार के पैसे जो तुमने खर्च किए थे, जिस उद्देश्य से तुम्हें बुलाया था वो पूरा हुआ, अपनी माँ को मत भूल जाना। यहाँ बेटा बन के आया था पर सिर्फ उनका नहीं, माँ को कौन बुलाता है, सबसे बड़ा रिश्ता है वो। नंदू ये रहे काशी के फ्लाइट टिकट्स, हेल्प के लिए किसी को साथ भेज रहा हूँ, वहां अस्थियां बहाने के बाद आप मेरे साथ रहने आइए। काश हर घर में तुम जैसा बेटा होता बालू। वो का असली बेटा होने का अच्छा नाटक किया, हमको चूना लगा गया। यही तो उसका पैसा है सरकार, रिश्तेदार पैदा करने का कारोबार है। वो उसका कारोबार होगा, लोगों का हक छीनना हमारा कारोबार है। वो 2 कौड़ी के धोखेबाज को उसकी औकात अब याद दिलानी ही पड़ेगी। अपने आदमियों को ऑर्डर दे दो। ना ही रे, बहुत समय से किसी का सर ना ही फोड़ा हमने, खून की नदी बहा देंगे। अभी भी चुना और पुट्टी मारी हुई है, वही पुरानी घिसी पिटी गाड़ी भेज दी, दीवार को पेंट भी नहीं किया है, लगता है ये मक्खी जो सुधरेगा ही नहीं। क्या बोल रहे हो? अरे घर आए दामाद का धूमधाम से स्वागत करना चाहिए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। शादी को 5 साल हो गए हैं, इतनी देर के बाद कोई नहीं पूछता। अरे मेरे भोले भंडारी में तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एंट्री मेरी मतलब बात मेरी हो रही है। जब दामाद बन जाओगे तब ये सारी बातें करना। बनूंगा ना, जरूर बनूंगा, बस तुम्हारी बहन नंदिनी हाँ तो करे, और अगर नहीं की ना तो तुम्हारा तलाक भी पक्का। अगर मेरी बहन ने तुमसे शादी नहीं की तो मेरा तलाक करवा दोगे क्या? वनवास में केवल प्रभु श्री राम को जाना था, लेकिन लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे ना। आर यू नॉट एजुकेशन? अगर तुम्हारी शक्ल देखकर उसने ना कर दिया तो। अच्छा मुंडी लाओ इधर।
मेरे सामने ये लंगूर दिखता है, फिर भी तुमने इससे शादी की ना, तो तुम्हारी बहन क्यों ना करेगी। अभी चलो अंदर, कहाँ से लाए हो यार इन्हें, हर ब्रेन इज आउट ऑफ स्टेशन। मम्मी, त्रिशा। हेलो अंकल, ठीक हो ना तू? कोई गले नहीं लग रहा है मुझे। और बताओ कैसे हो? ये मेरे गले लगने के लायक। हाय पापा, कैसे हैं आप? अरे अरे मुझ में क्या कांटे लगे जो इतना चिल्ला रही है? अरे उसके गले में क्यों बढ़ रहा है? अब आप सब लोग एक दूसरे के गले मिलने में बिजी थे तो मैं क्या खड़े खड़े ताली बजाता आया? वैसे भी ताली बजाने वाला दिखता। क्या कहा आपने? अरे ऐसे जोक मारा। लगता है फिर आपकी जुबान फिसल गई। औ, मेरी जुबान फिसल गई? कभी कभी ऑयल पानी दिया करो, बट इट्स ओके। वैसे आपने यही पुरानी काम वाली रखी हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छा काम करती है। अच्छा काम, फोन सालों साल चलता है फिर भी लोग लेटेस्ट मॉडल तो खरीदते ही है ना। कार रनिंग कंडीशन में होती है लेकिन फिर भी नया मॉडल आने के बाद लोग उसे खरीदते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो ना करो तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। शुक्र है वाइफ बदलने को नहीं कहा। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। वैसे आपकी शक्ल के हिसाब से यही ठीक है। इसके दिमाग में भूसा भरा है। मजाक क्या मतलब? अरे क्या कह रहा था ये? हाय जीजू। नंदू। हाय नंदू, कैसी हो? आई एम फाइन। दीदी कहाँ है? अंदर है, जाओ। नंदू, ये किशोर। हाय। हेलो। वैसे तो बहुत लड़कियां पीछे पड़ी हैं, लेकिन मैं उन सबको छोड़कर मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वैसे वेट से याद आया कि काफी वेट बढ़ गया है तुम्हारा, थोड़ा कम खाया करो। ओके, दीदी से मिलकर आती हूँ। वेरी फनी गर्ल, कितना ख्याल है इस बेचारी को मेरी सेहत का, सो क्यूट। अबे घंटा क्यूट? अरे भोंदू, आईने में शक्ल देखी है क्या कभी अपनी? वो हीरा है और तू कीड़ा है। क्या कहा? अरे नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट, कितना ख्याल है उसे तुम्हारा। मुंह का गटर कभी कभी साफ कर लिया करो ताकि कुछ अच्छी बोली बाहर निकले, जब देखो कीड़े मकोड़े निकलते हैं। माँ, आपने नंदिनी से किशोर की बात की या नहीं? कैसे करूं, जब भी टॉपिक छेड़ती हूँ उठ के चली जाती है। रही किशोर की बात, थोड़ा सनकी सा नहीं लगता? हाँ थोड़ा सनकी है पर दिल का साफ है माँ। ससुराल में सब लोग शादी के लिए राजी हैं। अगले हफ्ते सासू माँ ने केरला में पूजा भी रखी है। अगर नंदिनी भी राजी हो जाए तो उसी दिन मंगनी करवा देंगे। नंदिनी को कैसे भी मना लीजिए। नहीं, मैं उस छछंदर से शादी नहीं करूंगी और ना ही केरला जाऊंगी। पूरा परिवार जा रहा है पूजा में और तू नहीं चलेगी? सासू माँ ने गणपति जी की पूजा रखवाई है। हाँ। सब लोग वहाँ होंगे, कम से कम चलो तो सही। एक दोस्त भी साथ लेकर चल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ले चलो। चलो डन है, कब निकलना है? तुम सब फ्लाइट से जाना, मैं और नंदू गाड़ी से जाएंगे बाय रोड। व्हाट, किशोर के साथ गाड़ी में? नो वे, मैं उसके साथ आऊँ और आप सब अलग से आओगे? कबाब में कोई हड्डी नहीं रहेगी, अपने दिल की बात उससे कह के रहूंगा। असल में शादी से पहले एक दूसरे के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है ना। चलो ठीक है, उस लंगूर के साथ गाड़ी में जाना है, बस इतना ही ना? हाँ इतना ही। ठीक है। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट पैकिंग। क्या बोले इसे, ये लड़की भी ना तुम्हारा वो दोस्त बालू ही है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? लाइट पंखे बंद कर दिया ना? ससुराल वाले मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, मैं क्यों चलूं? तुम कहो तो उनसे बात करूं। ये सवाल पूछ रहा है यार ये। कुछ कहा तुमने? अरे वो क्या है ना, फैमिली फंक्शन के लिए मुनार जा ही रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ पर भी एक ऑफिस खोल ही ले, फंक्शन भी और काम भी। और किशोर कैसा है? अब तक तो ठीक था लेकिन तेरे को देखने के बाद थोड़ा टेंशन हो रहा है। मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन मत ले। अरे मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा टेंशन तो तू ही है। वन सेकंड ना। बोलो भाई। तो बात पक्की समझूं? तुम्हारे दिमाग का घोड़ा इतना क्यों दौड़ रहा है, थोड़ा लगाम लगाओ ना। अरे पहली मुलाकात में सात फेरे, शादी, बच्चा, सब कुछ हो जाएगा क्या? पता नहीं भाई के रूप में दोस्त हो या दुश्मन। चलो फोन रखो। तुम दोनों आगे बैठोगे क्या? पीछे की सीट एकदम कंफर्टेबल है। तो मैं नंदिनी के साथ आगे बैठ जाता हूँ ना, तुम पीछे बैठ जाओ आराम से। ओके। अगर ये पीछे बैठेगा तो मैं भी पीछे बैठूंगी, चल तू ड्राइव कर। दोनों पीछे बैठोगे तो मैं ड्राइवर लगूंगा, चलो रहने दो तुम ही ड्राइव कर लो। अरे ये इसको क्यों चिपक रही है? अरे खंबा टेढ़ा क्यों हो रहा है? वैसे ड्राइविंग स्किल तो मेरा भी बहुत अच्छा है। दूरट पे। अरे नंदू तुम बाजू हो जाओ ना, साइड में बैठ। ये जगह मेरी थी ना, पता नहीं ये गले की हड्डी कब निकलेगी। ये मेरी जगह है, चाय पियो ना बेबी। ये मेरी चाय है, जाके अपनी ले लो।
चुचुंदर। क्या करूं इसके लिए का? लगता है भाई को चैन नहीं आ रहा। ये सीट मैंने बुक की है। ये परौंती कब सुधरेगा? बोलो क्या हुआ, पटा लिया उसे? अरे तुम टाइम का दे रहे हो, ऊपर से वो गले की हड्डी बालू भी यहीं पर है। तुम अपने डिवोर्स की तैयारी कर लो भाई। किसकी याद आई जो कार रोक दी? मैंने नहीं रोकी, खुद रुकी है। एक कार हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है बोनट ओपन कर। पानी दो, अर्जेंट। तुम्हें कार ठीक करनी आती है? नहीं आती। तो फिर बोनट क्यों खुलवाया? ऐसी सिचुएशन में बोनट ही खोला जाता है, फिल्में नहीं देखते हो क्या? बोनट खोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता है कि करना क्या है। कार और गर्लफ्रेंड को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, अगर नहीं रखोगे तो बीच राह में इसी तरह से धोखा देगी ना। हेलो, डायलॉग बाजी हो गई हो तो ऑनलाइन ढूंढ अगर कोई मैकेनिक है आजू बाजू। ये कौन सा नया मैकेनिक है? इतना क्या हुआ बच्चा? पार्टी क्यों रुके? एनी प्रॉब्लम? हैदराबाद से आए हैं यहाँ सड़क पर बोनट खोलकर पार्टी करने के लिए। आप मिस्टर इंडिया के मुगेम्बो हो ना? आप लोग हैदराबाद से आए? आप भी हैदराबाद से हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी वाइफ। एनीवे, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं नहीं, बस बोनट खोलकर हम यहाँ गाड़ी के साथ सेल्फी ले रहे थे। इंदु जी अंकल, वीरपाल को फोन करके यहाँ बुला रहा हूँ। ओके अंकल। मेरा ड्राइवर रिपेयर के लिए ले जाएगा, तब तक आप लोग मेरे घर चलिए। चलिए चलिए, हम वेट कर लेंगे। मैकेनिक आएगा, प्रॉब्लम देखेगा, फिक्स करेगा। एक दो दिन भी लग सकते हैं इसमें। हाँ, टाइम तो लगेगा ही। अनजान एरिया है, सो प्लीज। ऊपर वाला ही बचा है। ओके सर। ये डेकोरेशन किस लिए? कोई पार्टी है क्या? इट्स माय 25th वेडिंग एनिवर्सरी। एक छोटा सा फंक्शन रखा है। 25th वेडिंग एनिवर्सरी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपके पति कहाँ हैं? जया, माय वाइफ। नमस्ते। 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 माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं। अपने गेस्ट हैं, हैदराबाद से आए। अरे वाह, हैदराबाद से? आप इन्हें कैसे जानते हैं? कहाँ मिले? सॉरी, इतने दिनों बाद अपने शहर के लोगों को देख रही हूँ ना। आप लोग क्या लेंगे? कोई फिक्र की बात नहीं। इंदु, इनके लिए अच्छे से खाने का बंदोबस्त करो। ठीक है। जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जाओ ना। हैदराबाद का नाम सुनते ही भावुक हो जाती है। देखा कितनी रौनक आ गई चेहरे पे। अरे भाई, हम हैदराबाद से हैं, अंतरिक्ष से थोड़ी ना आए हैं। आंटी को बोलो थोड़ा चिल करे, इतना क्यों उछल रही है? 25 साल से अपने मायके नहीं गई। लव मैरिज थी हमारी। 25 साल पहले नरसापुर के ONGC में जॉब थी मेरी। ये भी नरसापुर से थी। हम दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे। ये सब को छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ गई। अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया। लेकिन इसे अपने परिवार से नाता तोड़ना पड़ा। हमारी शादी के बाद न कभी वो यहां आए, न कभी ये गई। यहां सब लोग मेरे रिश्तेदार हैं। ऐसे फैमिली फंक्शंस में इसे हमेशा अपने परिवार की बहुत याद आती है। नरसापुर मतलब आपका नाम जयलक्ष्मी बताया ना? नरसापुर के वायन कॉलेज में पढ़ती थी आप? हाँ बिल्कुल। उस कॉलेज के बाहर एक चाट वाला था, आप हर रोज वहाँ जाया करती थी। आपको डांस का शौक था। सही कहा, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आप मेरी बुआ है। बुआ? और मैं? वो कैसे? क्या सच में? क्या तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो? रामू के बेटे हो तुम? नहीं। तो क्या कृष्णा के बेटे हो तुम? हाँ बुआ, बालू। कृष्णा के बेटे हो? यकीन नहीं कर पा रही। सुना सुना आपने, ये मेरा भतीजा बालू है। जब घर छोड़कर आई थी तब ये इतना छोटा सा था। इतने साल हो गए, कहाँ से पहचान पाते। लेकिन पापा वो हमेशा आपकी बातें करते थे। सच में? हाँ बुआ, अगर अंकल आपकी लव स्टोरी नहीं सुनाते तो मैं आपको कभी पहचान ही नहीं पाता। विश्वास नहीं हो रहा,
ये बताओ ये कौन है? अपनी बेटी ही समझिए आंटी, हस्बैंड एंड वाइफ, अभी अभी शादी हुई है। हे, कांग्रेचुलेशंस। ये कब हुआ? थैंक यू, कितना बड़ा झटका। ये ड्राइवर है? नहीं, मेरे भाई जैसा है। जस्ट फ्रेंड। यही सारी बातें करोगी या अंदर भी ले जाओगी? सॉरी सॉरी, हरे जल्दी यहाँ। ये मेरा भतीजा है और ये उसकी वाइफ। इनके लिए जल्दी से रूम तैयार करो, जाओ जल्दी जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारे परिवार से मिलाती हूँ, मिलके बहुत खुशी होगी। सुनिए, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, भले ही देर से आए, लेकिन मेरे रिश्तेदार मेरे घर आ ही गए। मुझे याद तो नहीं ये कौन है, लेकिन आखिरकार बालू को कोई अपना मिल गया। I'm so happy. क्या है? बाहर खुद को हस्बैंड वाइफ बताया। I don't accept it. But I accept it. वैसे एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पर कौन बनेगा रिश्तेदार प्रोग्राम हो रहा है क्या? तुम हर बार अपना कैरेक्टर चेंज कर रही हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मौके पे चौका मार दिया है मैंने, चाहे कोई माने या ना माने, मैं उसकी वाइफ बन के ही रहूंगी। एंड दिस इज फाइनल। अरे काय का फाइनल, तुम दोनों नकली पति पत्नी हो, ये मैं बाहर ढिंडोरा पीट दूंगा। नहीं पीटूंगा, लेकिन इस बात को सिर्फ नौटंकी तक ही रखना, वरना कहीं ये कैरेक्टर सच ना होने लग जाए। गेट लॉस्ट। ये आपका कमरा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू अंकल। नजर रखनी पड़ेगी। है कि नहीं? क्या है? अरे है कि नहीं? अरे क्या है कि नहीं? दिमाग। ये पति पत्नी का कमरा है। लेकिन वो दोनों बैचलर का कमरा वहां अलग है। बंद कमरे में कहीं गुटरगु तो नहीं हो रही है? कहीं छेद होगा देखने के लिए? इसकी जूम की रेंज बहुत कम है। अंकल इधर आइए। क्या हुआ है? हाँ? कहीं लाइट ऑफ तो नहीं की है ना? ये कभी नहीं सुधरेगा। है कि नहीं? है कि नहीं? क्या दिमाग ना? हाँ वो है। वो नहीं, तमीज। तमीज है कि नहीं? मियाँ बीवी अंदर है, तू बाहर ताका झाकी कर रहा है। वो झगड़े जैसी कुछ आवाज आई। हाँ तो झाँकोगे क्या? थोड़ी तो होनी चाहिए तमीज ना। है मुझ में तमीज नहीं, शर्म। ओ वाओ, एक साथ कितने क्यूट लग रहे हो। चलो सबसे मिलवाती हूँ। विश्वा, मेरा बेटा विश्वा। हाँ मम्मी। देखो कौन आया है। नमस्ते। मेरा भतीजा। हेलो। तुम दोनों कजिन हो समझे? हाँ समझ गया। सासुमा, पापा, इनसे मिलो, मिलिए। इनकी जोड़ी कितनी अच्छी है। बालू, मेरा भतीजा। तुम भी और ये मेरी बहू। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए। ये मेरे सास ससुर हैं। सालों बाद इसे देखा है, आज बहुत खुश हूँ मैं। चल भागना। अपने भतीजे से मिलने के बाद आंटी कितनी खुश है ना? पिछले 25 सालों से ये इस दिन का इंतजार कर रही थी। घर वालों के अलावा ये खुशी से और कोई नहीं दे पाता। ऐसे कैसे खाना पड़ेगा? ये फ्राइड पापड़ खा कर देखो, यहाँ का फेमस है। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? है ना? है कि नहीं? क्या नहीं है? दिमाग नहीं है, तमीज नहीं है, या शर्म नहीं है? भूख। आई मीन खाना। खाना तो नहीं खाऊंगा, लेकिन तुझे ना काट के खाऊंगा। चल भाग। हमारी 25th एनिवर्सरी में आए हुए सभी गेस्ट्स को हमारा थैंक्स। यहाँ आए सभी कपल्स के लिए एक सवाल है, सबको ऑनेस्ट आंसर देना होगा। क्या कभी आपके पार्टनर को या आपको शादी होने के बाद पछतावा हुआ कि गलत आदमी से शादी हो गई, किसी और से करनी चाहिए थी? नो चांस। कभी ना कभी तो पछतावा हुआ होगा। तुम बताओ नंदिनी, इन्हें किस बात का पछतावा होगा? बोथ आर न्यूली मैरिड। किसने कहा कि हम न्यूली मैरिड हैं? हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। 15 years? यस अंकल, हीरों के बाद ही शादी होती है क्या? बालू को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। दिल ने कहा लाइफ लॉन्ग इसके साथ रहना चाहती हूँ। उसी दिन बालू को अपना हस्बैंड मान लिया था। चाइल्डहुड से लेकर आज तक सिर्फ बालू की ही फिक्र की है। एज बढ़ने के साथ इनके लिए प्यार भी बढ़ता गया। बालू हमेशा से एक बात कहते आया है, इंसान जो बोता है एक दिन वैसी ही फसल काटेगा। और इसीलिए अपने दिल में हर दिन सुबह शाम सिर्फ इनसे प्यार करती रही, इस उम्मीद के साथ एक दिन ये भी मुझसे उतना ही प्यार करेंगे। अगर बालू तुम्हें वापस प्यार नहीं करता तो बताओ फिर तुम क्या करती बेटी?
इसी किताब में पढ़ा था। अगर आपका प्यार सच्चा है तो साथ होना जरूरी नहीं, बस यादें काफी है। अगर बालू से मेरी शादी नहीं होती या फिर कभी भी ये मुझसे प्यार नहीं करता तो अपनी पूरी जिंदगी इसकी यादों में गुजार देती। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे, कभी मजाक में भी नहीं कहूंगी मैं कि शादी करके पछता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि पहली और आखिरी इच्छा थी इनसे शादी करने की, जिंदगी भर निभाऊंगी। जरूर तुम्हारे प्यार में सच्चाई देखकर भगवान ने तुम दोनों को एक कर दिया। आंटी, सब लोग सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं, चले। देखने में फुटबॉल लगता है। ए, अरे मैं मजाक कर रहा था यार। ए, अरे दरवाजा खोल। पापा? अरे कोई तो खोलो। जरा देखना तो। सब भरे हो गए क्या? दरवाजा खोलो। हेलो। थैंक्स। है कि नहीं? सच में है ना? अरे अब क्या भाई? दरवाजा बाहर से बंद कैसे किया? दिमाग में भूसा भरा है क्या? इनसाइड से आउटसाइड कैसे लॉक कर सकता है कोई? तू जैसे ही किसी गधे ने किया होगा। होपलेस पर्सन। ये देखो तुम्हारे लिए है। ये मुझे क्यों दे रही है आंटी? ये मेरे बेटे समान है, तो तुम मेरी बहू हुई ना, क्या सास बहू को गिफ्ट नहीं दे सकती? बात तो सही है पर काफी महंगा होगा ना। जब कोई किसी को तोहफा देता है उसका प्यार देखा जाता है, कीमत नहीं। हाँ ये बैंगल बहुत अच्छी है, तो मुझे उस मार्केट में ले चलोगी ना? है ना? टायर में हवा है, गाड़ी में पेट्रोल वो भी है, और दिमाग वो भी है। तुम्हारा फोन। फोन? तुम अंदर भूल गए थे। ओ, और चार्जर कौन देगा? नहीं है। आप क्या नहीं है? चार्जर। लगता है इसका दिमाग खाली है। मत दो, दूसरा है। देखिए ना आंटी, इतने सारे गिफ्ट्स ले लिए, खुद ने कुछ भी नहीं दिया। तुमने मुझे रिश्तेदार होने की इतनी बड़ी खुशी दी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वैसे मुझे भी कुछ नहीं मिला। हम दोनों को कुछ नहीं मिला। तुम्हारी आंटी की फैमिली कितनी अच्छी है। नेकलेस दिया इसलिए? नो, गिफ्ट की वजह से नहीं, कितना अच्छे से ट्रीट किया हम सबको, कितना अफेक्शन था उनमें। बिल्कुल सही। वैसे मेरी बुआ की फैमिली फुल लालची है, क्या लाया क्या लाया अमेरिका से, बस यही सवाल पूछते रहते। काश रिश्तेदार भी एक्सचेंज ऑफर में मिलते। ये सब तो ठीक है, पर एक डाउट है, तुम्हारे पापा का नाम तो मोहन था, तो फिर आंटी ने कृष्ण क्यों कहा? पापा का पूरा नाम कृष्ण मोहन है। नहीं तो? तो फिर वो मेरी बुआ नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारी बुआ नहीं है? झूठ बोला था। झूठ बोलने की क्या जरूरत? गिफ्ट पाने की लालच में तुम इतना गिर सकते हो, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इमोशनल सप्लायर नहीं बल्कि इमोशनल चीटर भी हो। शट अप। पागल गए। जब उन्हें जानते ही नहीं तो उनकी डिटेल्स सही कैसे बताए? इसमें डिटेल्स की क्या जरूरत है? नरसापुर में एक ही डिग्री कॉलेज है, वाइन कॉलेज, वहीं पढ़ती होंगी। बचपन में बच्चों को जिस चीज का शौक होता है वही कहा, हवा में तीर मारा। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कहीं सच पता चल गया तो हमें चीटर्स समझेंगे। अरे तुम चीटर कम फ्रॉड ही हो, मेरी रेपुटेशन की बहुत वाट लग जाएगी, पता है क्या? ए, तेरी कौन सी रेपुटेशन? वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। वो इसलिए कि मैंने अंकल को सच बता दिया था। सॉरी सर, जब आपने कहा इस फंक्शन में सिर्फ आपके रिश्तेदार आए हैं तो मैंने उनकी आंखों में एक दर्द देखा। इतने लोग होते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। मुझे अपना भतीजा समझकर कितने गिफ्ट्स दे रही हैं। आज अगर सच नहीं बताया तो ये गलत होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बालू, जो खुशी तुमने मेरी पत्नी को दी है, ये गिफ्ट्स तो कुछ भी नहीं है। हमारी शादी को इतने साल हो गए,
मैंने उसे आज तक कभी भी इतना खुश नहीं देखा। ऐसे ही चलने दो इसे। वैसे एक बात याद रखना, यह रिश्ता तुमने खुद बनाया है और अब इस रिश्ते को निभाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस अंकल। यू आर अमेजिंग हीरो। लोग तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन तुमने सिर्फ किसी की खुशी के लिए झूठ बोला है। अब चले। हाथ हटाओ अपना, मुझे तो ड्राइवर ही बना के रख दिया है। चलाना। मैं चलता हूँ। हाँ तो थक गया रे। क्यों भाई, क्या हाल है? सफर कैसा रहा? सुधरेंगे नहीं, कभी नहीं सुधरेंगे। कौन नहीं सुधरेंगे? फिल्म गए तो फिल्म कैसी थी पूछते हो, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने क्या कहा ये पूछते हो, जर्नी पे गए तो सफर कैसा रहा ये भी पूछते हो। एक ही सवाल पूछ पूछ कर आप थकते नहीं हो? अरे सफर ठीक था तभी तो यहाँ तक पहुँचे ना, अगर एक्सीडेंट होता तो हम लोग कॉल नहीं करते क्या? अरे पता नहीं इनका तहकीकात करने का स्वभाव कब जाने वाला है। क्या हुआ इसे? ये कौन सा सस्ता नशा करता रहता है, जब देखो टेढ़ा जवाब देता है। पैदाइशी डिफेक्टिव पीस है। तो दादू कैसे हैं? बढ़िया हूँ। ओ भाई, कोई जरूरी बात करनी थी ना तुम्हें, अब करो तो सही। तेरे के। आज फंक्शन के बाद कोई अनाउंसमेंट होने वाली थी ना? हाँ, तुम्हारी और नंदिनी की सगाई की। सभी लोग सहमत हैं और अच्छा मुहूर्त भी है। ये क्या पापा, इस जोकर के साथ शादी इस लाइफ में तो नहीं। बंदू। अरे शक्ल से भूत और अकल से बेवकूफ, कोई चुड़ैल भी इससे शादी ना करे। अरे बहुत अच्छा लड़का है ये, शादी कर लेनी चाहिए। शक्ल से भूत अकल से बेवकूफ जैसा कुछ कहा अभी। मास्क प्लीज। अरे मास्क जेब में रखो। नंदू शादी करोगी या नहीं? नंदू मुझसे शादी करोगी या नहीं? नो नॉट नेवर। वैसे मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात बात बच गए। पहले शादी की रट लगाए बैठे थे, अब मुकर रहे हो? मुझे तो पसंद है, लेकिन इसकी सुई इस बालू पर अटकी हुई है। पूरे जर्नी में मैंने यही देखा, अगर मेरा बस चलता तो उसी दिन मैं इससे शादी कर लेता, लेकिन ये महान बालू जी ऑलरेडी इसके दिल में राज कर रहे हैं। बालू नंदिनी से कितना ज्यादा प्यार करता है ये मुझे कल पता चला। नंदिनी से बहुत प्यार करते हो क्या? तो उसे आज तक बताया क्यों नहीं? हम शब्दों से पसंद बता सकते हैं, लेकिन प्यार दिल से बताते हैं। मुझे नंदू से प्यार है, पर बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन क्यों? मैं चाहे उसे कितना भी चाहूं, उसकी माँ मुझे स्वीकार नहीं करेगी। अरे आंटी गई तेल लेने, नंदू को दिल की बात बोल दो, वो माँ को छोड़कर आ जाएगी। मतलब हमारा घर बसाने के लिए वो अपनी माँ को छोड़ दे? इस दुनिया को रिश्ते और रिश्तेदार देता हूं मैं, उसे अपनी मां से दूर करने का पाप मुझसे नहीं होगा। तो क्या तुम अपने प्यार का त्याग कर दोगे? प्यार के लिए साथ रहना जरूरी नहीं है, दिल में रहना चाहिए, और वो हमेशा रहेगी मेरे दिल के अंदर। जब ये दोनों एक दूसरे के इतने जबरदस्त फैन हैं, तो मैं एग्जॉस्ट फैन क्यों बनूं? इसलिए मैंने अपना डिसीजन चेंज किया। अब आप लोग भी बात मान लो और इन दोनों को सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद दे दो, इसी में सबकी भलाई है। एकदम सही बोला, नंदू और बालू की जोड़ी फिट है, इससे बेटर दामाद हो ही नहीं सकता। सर, नो मास्क, दिल की बात पे आज नो ब्रेक्स नो बीप्स, इस बात को लॉक किया जाए। नंदू लाइक्स बालू अ लॉट, ओके कह दो ना मॉम। आप लोग कुछ भी कहें, मैं कभी राजी नहीं होंगी। क्या नंदू गप्पे मारने बैठ गई? मैसेज आया है देख तो। शादी करना चाहती थी तो आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ ओहो, पूरी स्टोरी सुना डाली। मेरी भी कोई वैल्यू है कि नहीं, इतनी आसानी से कैसे मान जाती? तो फिर आखिर आप मानी कि नहीं? हाँ तो करनी ही पड़ी, और जिस दिन मैं मानी उसी दिन मंगनी करवा दी और 2 महीने में शादी भी करवा दी। ओ, तो आखिर इन दोनों की शादी हो ही गई। आपका हीरो ग्रेट है, लाइफ में सारे रिश्तेदार पा लिए, तुम्हें पटाके शादी भी कर ली और हस्बैंड का पोस्ट भी मिल गया। बस अब पिता वाली पोस्ट बाकी है। वो प्रमोशन भी देने वाली हूँ, माय थर्ड मंथ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वन मिनट। हाय प्रोड्यूसर, कहाँ पहुँचे? ट्रेन येलमेंचली स्टेशन पर रुक गई है हीरो, ट्रैक क्लियर होने के बाद ही ट्रेन चल पाएगी। तुम बाहर झांको, कोई कैब दिखे तो बैठ कर आ जाओ। ओके। रुको मैं आती हूँ।
अरे बेटा वो नंदिनी थी यहाँ पर। वो तो अभी इस तरफ गई। अच्छा आजा बेटी आ जल्दी आ। गुरुजी आप इतने परेशान क्यों हैं? आखिर बात क्या है? उसकी कुंडली पड़ी, कुछ अनर्थ होने वाला है, उसके ग्रहों का खराब योग है, कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। कहाँ है वो? अरे आओ, वहां पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए, जल्दी आओ, ऑलरेडी लेट हो चुका है। क्या दादाजी हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। खुश रहो। आइए आइए। आओ। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? रिश्तेदारों का सप्लायर है ना तू, अपना काम छोड़ के हमरे काम में टांग अड़ाता है। ये तोहरी फैमिली है ना साला, हम साथ साथ है पिक्चर चल रही है का? ये रिश्तों की डोर को यहीं काट डालेंगे हम। पहुंचा दो लौंडे को इसके नकली बाप के पास। आ। Oh!
नंदू बेटी कुछ तो बोलो नंदू 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 ठीक हो ना बेटा नंदू मेरी बच्ची बालू 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 घाव बहुत गहरा है, भगवान से प्रार्थना कीजिए। फिलहाल वो होश में है, आप सब एक बार मिल लीजिए। फैमिली चाहिए थी ना, आज तुम्हारा हर रिश्तेदार तुम्हारे साथ खड़ा है बेटा। हमें छोड़ के नहीं जा सकते तुम, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम में हमारी जान बसी है बेटा, तुम्हें लड़ना ही होगा। जब अकेला पड़ गया था, सब छोड़कर चले गए थे, आज तो सब मेरे साथ हैं, और क्या चाहिए। नहीं दादू, आंसू नहीं। सॉरी आंटी, मैं आपका भतीजा नहीं हूं, यही कहना चाहते हो ना। जिन्होंने जन्म दिया पिछले 20 सालों से, न मुझसे मिलने आए ना ही एक फोन तक किया। इन्होंने हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी घर वालों की कमी दूर नहीं कर पाए। लेकिन तुमने मुझे देखते ही मेरी पीड़ा समझ ली। तुम तो कोई सगे रिश्तेदार से भी बढ़कर हो। माँ बाप की कमी तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन तुम्हारी कमी सहन नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरे लिए जीना, उनके लिए जीना जो तुम्हारे लिए जीते हैं। प्रोड्यूसर रो क्यों रही हो? यहाँ प्रोड्यूसर कुछ नहीं होगा मुझे। देखो, जब इंसान जिंदा होता है ना, जरूरी नहीं शरीर से ही हो, मरने के बाद यादों में भी जिंदा रह सकते हैं, बातों में जिंदा रह सकते हैं। अगर आज मैं नहीं बच पाया तो तुम्हारी बातों में, यादों में जिंदा रहूंगा हमेशा। मैं तुम्हारा हीरो बनकर रहूंगा, मेरे लिए इतना काफी है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए काफी नहीं है। माँ बाप की कमी तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन तुम्हारी कमी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे बिन नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। हे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, हे ऐसा मत कहो। लिसन टू मी, हम जिसे चाहते हैं ना, उसके लिए हम मरते नहीं, बल्कि उसके लिए तो हम जीते हैं। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर, चलो डॉक्टर बुला दे। कितना प्यारा है ना? आज मेरा नाचे बेटा, कितना क्यूट है, इसको किसी की नजर ना लगे, कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है मेरा बच्चा, क्या करना है। एक पिता अपने बच्चों को विरासत में जमीन और जायदाद देता है, लेकिन तुमने अपने बेटे को इतने सारे रिश्तेदार दे दिए। वो कहते हैं ना कि आप जो बोओगे वही काटोगे। जितना प्यार बालू ने लोगों को दिया, शायद उसी प्यार और लोगों की दुआओं के कारण वो आज मेरे साथ है। लव यू हीरो। हेलो, हाँ बताइए। ओके, व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजिए, पहुंच जाएंगे। लेट्स गो प्रोड्यूसर, एक बेटा और बहू चाहिए। इस बार रियल वाइफ होगी। हर इंसान को कोई अपना चाहिए, वो जिससे वो अपना प्यार बांट सके, चाहे असली रिश्तेदार ना भी हो। अगर किसी को अपना समझ के सम्मान दो, उनका अकेलापन दूर करो, तो वो हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, अपने दिल से, अपनी आत्मा से हमारे बन जाते हैं। किसी तन्हा इंसान को देखें, उन्हें अपना बना लें, वो आपके और आप उनके हो जाएंगे। ऐसा प्यार बांटने वाले लोग सच्चे इंसान होते हैं। ये फिल्म ऐसे ही अच्छे लोगों को समर्पित है।